हाँ भाई, आगे सारे प्यारे प्यारे बच्चे। तो तनुष्का शर्मा सर जी, आई एम न्यू, और इसके बाद ये आदर्श भी कह रहा सर आज मेरी फर्स्ट क्लास। बहुत बढ़िया खुशबू, बहुत बढ़िया। सबको गुड इवनिंग, नमस्ते। तो कल तुम्हारी क्लास नहीं हो पाई थी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, तो कल भी हम तैयार थे तो कल क्लास नहीं हो पाई थी, तो उसका आज हमें पूरा कर लेना है ना। तो कल की जो भी अपना जुनून था, जोश था, उसका बदला आज लेना है। क्या तुम तैयार हो भाई? नमस्ते बच्चे, नमस्ते सर जी। आदर्श, अद्भुत, आपकी प्रतिभा को मैं नमन करता हूँ। थैंक यू सैंडी, मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे प्यारे प्यारे शेर। आजो भाई। तो अभिनव त्रिपाठी आजो। तो पहले तो मुझे एक बात बताओ, तुम लोगों को कई दिन हो गए पढ़े हुए, मैंने तुम्हें एक स्टडी प्लान भी बताया था, क्या तुम वो फॉलो कर रहे हो भाई? जिन बच्चों को सीजीएल देना है, और आज एमटीएस का भी रिजल्ट आ गया है, तो जो जो बच्चे सिलेक्ट हुए एक बार बता देना, कई बच्चों का तो मैसेज आया है। चलो शुरू करते हैं। जा भाई, तो ध्यान से बच्चे, जितने बच्चे हैं ना, कौन कौन से देखो, पहली तो आई अपनी जो 10 बजे वाली क्लास है, कुछ बच्चे जिनकी फर्स्ट क्लास है, तो डेली अपनी 10 बजे क्लास होती है बच्चे, ठीक है ना। तो ये जो क्लास मैं करवा रहा हूँ, ये एसएससी के जितने भी एग्जाम है, जैसे कि सीजीएल हो गया है ना, या फिर जिन बच्चों को सीपीओ देना है, या जिन बच्चों को सीएचएसएल या एमटीएस देना है ना, सीएचएसएल या एमटीएस देना है, या इसके अलावा स्टेनो देना है, या इनके अलावा जो बच्चे पीसीएल वाले हैं, या जो बच्चे पीईटी पेट वाले हैं, या जिनको भाई इसके अलावा डिफेंस का कोई भी एग्जाम देना है, जैसे कि एनडीए देना हो है ना, या इंडियन एयरफोर्स, एयरफोर्स की, या जो कोस्ट गार्ड की तैयारी कर रहा है ना, सीडीएस की तैयारी कर रहा है, एफ कैट की तैयारी कर रहा है, तो ये क्लास जो बच्चे उन सब के लिए क्या है, बेनिफिशियल, इसमें बेनिफिशियल है, फायदा रहेगा, ठीक है ना। आप शुरू करते हैं कार्रवाई, ठीक है ना। अब मैं कहना चाह रहा हूँ बच्चे, अगर इंग्लिश बढ़िया करनी है ना तुम्हें, जिन बच्चों की अगर सच में इंग्लिश वीक है, जिन बच्चों की अगर इंग्लिश वीक है, तो उनको सबसे पहले, भाई हट क्यों नहीं रहा, चलो तो इसी से काम चलाना पड़ेगा। आज यकीन ना क्यों नहीं हट रहा। तो जिन बच्चों को भाई अगर इंग्लिश अपनी बढ़िया करनी है, तो एक सबसे पहले ना वोकैब अच्छे से कर लो। जिन बच्चों का अगर वोकैब, एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है ना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या क्लॉज टेस्ट या पैरा जंबल है ना, जिन बच्चों का अगर ये बढ़िया है जो मैं लिखवा रहा हूं ना, पैरा जंबल अगर बढ़िया है, या वॉइस नरेशन बच्चे जिनका बढ़िया है, तो मैं ये कहता हूं कि इंग्लिश में तो मार नहीं खाएगा है ना। वोकैब में कौन कौन आ जाएगा, इसमें सिनोनिम आ गए, या एंटोनिम आ गया, या फिर तुम्हारा वन वर्ड आ गए, या फिर इडियम्स आ गए है ना, वन वर्ड या इडियम्स और स्पेलिंग है ना, तो ये चार पांच चीज है। तो जिन बच्चों के अगर ये बढ़िया है, तो मुझे नहीं लगता इंग्लिश में उनका कुछ होगा। तो शुरू करें अब, ठीक है ना। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज ये सारे करेंगे, वोकैब होगा ना, रूट वर्ड होंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का टाइम मिलता है, वो भी एक घंटे में करना है, पैराजमल, वॉइस नरेशन ना, एडियम्स सब करना है। तो शुरू कर दिया जाए। तो मैं बता रहा हूं बच्चे, जिनको अगर जिन्होंने अभी भी बढ़िया तैयारी नहीं करी है, सीजीएल की हल्की मत लेना, बढ़िया से तैयारी करने लग जाओ, और अभी सीएचएसएल और एमटीएस की भी वैकेंसी आने वाली है, बहुत ही भयंकर आने वाली है, ठीक है ना। मैं पहले बता रहा हूं, जिन बच्चों भाई सीजीएल देना तो ठीक है, और अभी एमटीएस और सीएचएसएल की बहुत ही भयंकर, जैसे अभी सीजीएल की 20,000 वैकेंसी है ना, क्या आप इस बार सीएचएसएल की भी 20,000 वैकेंसी आ जाए, या हो सकता है इससे ज्यादा भी हो सकती है, इसी तरह एमटीएस की भी। तो अगर मान लो 30-40 हजार वैकेंसी और आने वाली है एमटीएस और सीएचएसएल की मिला के, तो मैं ये कह रहा हूं कि बच्चे बढ़िया से लगा दो जोर, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है ना। अब सीजीएल के 2023 की दोबारा आने वाली है अप्रैल में, तो अभी से तैयारी करनी शुरू कर दो बढ़िया से, तो हो जाएगा तुम्हारे काम, तो शुरू करे। तो ये पोर्शन तो मैं तुम्हें डेली करवा रहा हूं, अगर ये सब बढ़िया होगी ना, तो मुझे नहीं लगता इंग्लिश में तुम्हारी कोई दिक्कत हो सकती है। और ग्रामर में तुम्हें इतनी मैराथन करा चुका हूं,
है ना। और कल भी सोच रहा हूँ एक 3 घंटे की मैराथन, कल 9 से तो नहीं हो पाएगी, तो मैं सोच रहा हूँ कल रात को 10 से 1 बजे तक है ना एक मैराथन हो जाएगी 3 घंटे की। तो इसमें जो तुम कहोगे वो चैप्टर करा देंगे, जो तुम कहोगे वो चैप्टर करा दूंगा। तो आज फटाफट शुरू कर देते हैं बच्चे, बरा आगे सारे बच्चे। तो आज तो मुझे मार्कर यही यूज करना पड़ेगा, ये हट नहीं रहा है। हट जा भाई, हट जा यार, ऐसे करेगा तू हैं? बताए ये प्यारे प्यारे बच्चे देखिए सिलेक्शन लेने के लिए आए हैं और तुम हट नहीं रहे हो, ऐसे कैसे काम चलेगा। चलो भाई, तो अब देखो पहला वर्ड क्या है, टिन सेल। टिन सेल का ऑपोजिट वर्ड बताना है, यहाँ पे एक वर्ड देखा है टिन सेल, इसका ऑपोजिट वर्ड बताना फटाफट, इसका आंसर दो फटाफट, इसका आंसर दो। देखिए हटने रहे यार, एक बीमारी हो रही है ये, इसके आगे आगे कैसे किसी को होगा मोटू। हाँ फटाफट इसका आंसर दो। तो सारे बच्चे तैयार होना बढ़िया से, रिजल्ट आ गया एमटीएस के, रिजल्ट चेक करा दीजिए प्लीज, आ रिजल्ट चेक करवा देंगे। मुझे एक काम करना है ना, या तो है ना यहाँ पे नंबर आ रहा ना, सारे बच्चे या तो एक बार रिजल्ट या रोल नंबर भेज दो, तो खुद ही कर लो यार, इतनी छोटी चीज कर लिया करो, ठीक है ना। राम राम बच्चे सबको, गुड इवनिंग, नमस्ते। अब इसका आंसर बताना है, तो ये जो टिन सेल वर्ड है इसका ऑपोजिट वर्ड बताना है, क्या होता है इसका ऑपोजिट भाई, गॉडी होगा या गैरिस होगा या फ्लोरिस होगा या सिंपल होगा। अबे तो कौन सा सही लग रहा है इसका ऑपोजिट वर्ड? अच्छा ये सारे वर्ड मैं तुम्हें करा चुका हूं इससे पहले सारे। फिजा मेरे बेटा, गुड इवनिंग मेरे बच्चा। तो टिन सेल का मीनिंग क्या होता है भाई, पता नहीं हमें। तो गोडी, गोडी का मतलब तो मैंने करवाया था तुम्हें, भड़कीला। अरे भड़कीला, अरे तो एक ग्रीस वाला भी मैंने बताया था, ग्रीस बहुत भड़कीला है ना, बहुत ही भड़कीला है ना। तो ऐसा, और फ्लोरिस का मतलब भी वही, ऐसा ही कुछ होना चाहिए, अभी ऐसे होना चाहिए जो बहुत ही ज्यादा चमकीला है ना, उसके लिए यूज करेंगे। तो इसका ऑपोजिट मुझे लग रहा है इसका फोर्थ आंसर होगा। तो कई बच्चों ने इसका आंसर बिल्कुल सही बताया है ना, कई बच्चों का लग रहा है सही है। तो चलो देखते हैं, अब फटाफट देखो, तो ये टेंसेल का मीनिंग क्या होता है, टेंसेल का मीनिंग क्या होता है, टेंसेल का मीनिंग क्या होता है। तो पहले पिक्चर को देखो, ओहो अरे इस महारानी को देखो भाई, है तड़क भड़क, गांव नहीं बोलते कितनी तड़क भड़क होकर निकली है, मैडम बड़ी तड़क भड़क होकर निकली है। तो कैसे चमकीले, देखो चमकीले कपड़े पहन के हैं, सारी सब कुछ चमकीले चमकीले हो रहे हैं है ना, जैसे कि जब चश्मा की बूढ़ी, तो भड़कीली सी है नहीं की है, अभी ये कैसी लग रही है भड़कीली, अभी तो बहुत ही भड़कीली टाइप की लग रही है। तो बच्चे विकास शर्मा जी बहुत बढ़िया शाबाश, तो ये भड़कीला टाइप की नहीं लग रही की है ना, चमकीले कपड़े तड़क भड़क है ना हिंदी में एक, तो इसका तो तड़क भड़क, तड़क भड़क है ना, तड़क भड़क कपड़े पहन के इसने तड़क भड़क और की है। तो इस टेंशन का मीनिंग वही होता है, देखो टेंशन, टेंशन का मीनिंग क्या हो जाएगा, तड़क भड़क, तड़क भड़क है ना, तड़क भड़क, तड़क भड़क मतलब कि जो है ना भड़कीले टाइप की चीजें। तो इसको याद कैसे करेंगे, तीन और सेल, तो तीनों सेल में तड़क भड़क का सामान ही मिलेगा, तीनों सेल में तड़क भड़क का सामान मिलेगा। तो टिन सेल का मीनिंग क्या होता है, जो तड़क भड़क होता है भड़कीला टाइप का है ना, भड़कीला टाइप का है ना, जो बिल्कुल जो बहुत ज्यादा शाइनिंग देती हो है ना, फ्लोरिश टाइप का है ना। तो ये बताओ मुझे, तो टिन सेल का मीनिंग तो सबको याद रहेगा। अच्छा इसकी सिनोनिम देखो कौन कौन सी वर्ड याद करने हैं, फ्लोरिश, फ्लोरिश का मतलब वो होता है जो बहुत ही ज्यादा चमकीला, डिजाइन बोल सकते हैं या गेरिस, ये दो वर्ड है, कई बार ये पूछा भी जा चुका है। गोडी, 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 ये इस बार 2022 में भी आया था, गोडी, गोडी, गोडी का मतलब क्या होता है, भड़कीला टाइप का ना, भड़कीला टाइप का, जैसे वो लड़की दिखाई थी है ना, वो भड़कीले कपड़े पहन गए थे। तो गोडी, गैरिस या ना गैरिस या फ्लोरिस से डिजाइन, ये तो होगी इसके सिनोनिम, ये तो इसके सिनोनिम होगी बच्चे है ना, फॉइस, डिजाइन, गैरिस, गोडी है ना। अब इसका ऑपोजिट क्या, जो बिल्कुल सिंपल है, जो बिल्कुल सिंपल या प्लेनेस, तो ये इसका ऑपोजिट वर्ड हो गया। तो ये तो याद रहेंगे, अभी फटाफट बताओ। तो अब मुझे एक बात बताओ सारे बच्चे, ये जो लड़की, इसने कैसे कपड़े पहन रखे हैं, अभी तड़क भड़क मतलब फ्लोरिस टाइप है ना, फ्लोरिस, तो कैसे कपड़े पहन रखे भाई इसने है ना, ये कैसे लग रही है, गोडी, कैसे लग रही, गोडी यानी गैरिस, तो ये ऐसे लग रही है ना। अच्छा इसको कैसा रहना चाहिए, बिल्कुल सिंपल होना चाहिए भाई, इसको बिल्कुल सिंपल होना चाहिए यानी कि प्लेनेस होना चाहिए, तो इसका ऑपोजिट हो गया, ये इसके सारे सिनोनिम हो गए, तो याद रखोगे। तो अब देखो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ। तो जिन बच्चों ने फोर्थ आंसर बताया था वो बिल्कुल सही है, उनका बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया बच्चे। अगले पे चले, शाबाश सुरभि, प्रीति, लाली, निधि, बहुत बढ़िया बच्चे। और कल 10 से रात को ना, कल रात को 10 से और फिर 1 बजे तक 3 घंटे के मैराथन है। तो जो तुम कहोगे वो चैप्टर खत्म करा दूंगा ग्रामर का है ना, तुम्हें कह रहे हमने, तो संडे या सैटरडे को एक ग्रामर का चैप्टर खत्म, हर संडे सैटरडे कोई एक, या तो संडे या सैटरडे एक ग्रामर का चैप्टर खत्म करवा दूंगा। तो जो तुम कहो, इसका फिट करूं यार, नीचे करूं मैं यार, इतनी देर से परेशान हो रहा था।
भाई एक बात तो कहनी पड़ेगी, बोलते हैं कि जो काम जिसका हो उसी को करना चाहिए। मैं इसको हटाने में कभी ऊपर कभी नीचे, और इसको नीचे करना था, बता ले, इतनी देर हो गई दुखी होते हुए। तो चलो भाई बढ़िया हो गया, कर लोगे तो ये चीज याद रखना बच्चे ना, तो कल जो तुम कहोगे वो कर देंगे। ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, बट बिल्कुल छोटा सा वर्ड है, बहुत ही छोटा सा वर्ड है, बट है भाई बहुत इंपॉर्टेंट ये। तो इसका सिनोनिम बताओ फटाफट, सिनोनिम इसका ऑपोजिट वर्ड बताना है, फटाफट सुनो जाओ, फटाफट सुनो जाओ भाई, बहुत बढ़िया शाबाश, तो खतरनाक है, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग बच्चे, राहुल गुड इवनिंग, लेट हो गया भाई तू तो। कल एडजेक्टिव खत्म करा दूं, क्या कहते हो? कल पूरा एडजेक्टिव की प्रैक्टिस करा देता हूं, 3 घंटे कम से कम, 100 टॉप 100 क्वेश्चन, और अच्छे से पढ़ाना है तो भाई 50 क्वेश्चन कराऊंगा, अगर फटाफट करवाना है तो 100 क्वेश्चन हो पाएंगे, बताओ क्या कहते हो? तो कई बच्चे इसका आंसर गलत बता रहे हैं, बाकी सबका सही सा लग रहा है। चलो भाई है ना, केओस, इसको चाओ समझ नहीं पड़े, केओस, तो केओस का मीनिंग क्या होता है? केओस 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 का मीनिंग क्या होना चाहिए? अच्छा एक बात बताओ, अनार्की का तो मतलब पता ही तुम्हें, अनार्की ये वन वर्ड में आता है, अनार्की का मतलब जहां पे कोई रूल नहीं है, कोई शासन नहीं, कोई मतलब कोई अरेंजमेंट नहीं है, कि ऐसी कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी जो है भाई, जहां पे कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई रूल नहीं है, कोई शासन ही नहीं है, तो उसके लिए यूज करते हैं अनार्की। अच्छा पेंडेमोनियम, पेंडेमोनियम का मतलब क्या होता है? जहां पे भाई शोरगुल होता है, मतलब कि डिसऑर्डर होता है, डिसऑर्डर को बोलते हैं ना, डिसऑर्डर है ना, डिसऑर्डर यानी कि जहां पे बहुत ज्यादा शोरगुल हो, बहुत ही ज्यादा नॉइजी है ना, पेंडेमोनियम, पेंडेमोनियम का बहुत ही ज्यादा नॉइजी, डिसऑर्डर, तो बच्चे याद रखना है। तो अब हमें पता चल गया, याद रखना बच्चे, जब भी तुम्हें लगे कि कहीं सेंटेंस में दो वर्ड बिल्कुल सेम सेम है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकते है ना। और अनार्की का मतलब भी लगभग वही होता है, डिसऑर्डर, जहां पे कोई गवर्नमेंट नहीं है, जहां पे कोई कुछ है ना, अरेंजमेंट कोई नहीं है, तो मतलब मुझे लग रहा है इसका मीनिंग यही होना चाहिए है ना। तो इस केओस का मीनिंग क्या है, केओस का मीनिंग क्या है, पहले पिक्चर को देखते हैं, केओस का जो मीनिंग है वो होता क्या है, पहले सारे बच्चे इस पिक्चर को देखो। हां भाई, तो जो बड़े बड़े शहर होंगे उसमें तुमने देखा होगा कि जो तार होते हैं ना, तार होते हैं, वायर है, देखो ये खंबा है, खंबे के वायर देखो कितना भयंकर भयंकर तरीके से क्या है, फैले हुए हैं, तो मतलब ये क्या है, डिसऑर्डर है कि नहीं, एक सही ऑर्डर है नहीं, तो ये तारों का क्या है, डिसऑर्डर है, ये क्या है, डिसऑर्डर, तो मतलब इसमें क्या है कि कोई ऑर्डर नहीं, कोई ठीक सा अरेंजमेंट नहीं है, कोई अच्छा अरेंजमेंट ही नहीं है इनका है ना। तो इस पिक्चर से हमें लग रहा है डिसऑर्डर की बात हो रही है। तो बच्चे केओस का मीनिंग क्या होता है, केओस, केओस का मीनिंग होता है अव्यवस्था, मतलब कि जहां पे कोई रूल नहीं है, कोई शासन नहीं है, कोई मतलब ठीक से व्यवस्था नहीं है, तो उसको बोलते हैं केओस। बहुत अच्छा वर्ड बच्चे, ये एसएससी वाले हो या पीसीएल वाले बच्चे हो, हर एक को देखना है। तो केओस का मीनिंग क्या होता है, अव्यवस्था, मतलब अब इसको याद कर सकते कि काश, काश हमारे देश की व्यवस्था सही हो जाती, काश हमारे देश की व्यवस्था सही हो जाती, तो केओस का, केओस का मीनिंग होता है अव्यवस्था। मतलब अब अव्यवस्था को क्या बोल सकते हो, तो पहले तो इसकी सिनोनिम देखो, सारे बच्चे इसकी सिनोनिम देखो, एक तो पेंडेमोनियम, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो भाई जिन बच्चों को अगर सीपीओ सीजीएल देना ना, ये क्लास रेगुलर देखते रहोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा, ठीक है ना। पहले तो अपने ने दिमाग में ना एक अच्छे से दिमाग को समझाओ कि एक क्लास देखो उसको रेगुलर देखना, ये नहीं कि एक दिन देखा दूसरे दिन नहीं देखा, डेली लगातार क्लास देखोगे तो काम तुम्हारा बन जाएगा, ठीक है ना। तो पेंडेमोनियम बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ना, पेंडेमोनियम का मतलब डिसऑर्डर, नॉइजी है ना, अनार्की, अनार्की का मतलब जहां पे कोई रूल नहीं है, कोई शासन नहीं है, मतलब की डिसऑर्डर। तो ये बात याद रखना बच्चे कि एग्जाम में जब भी अगर केओस आएगा तो इसका सिनोनिम पूछेंगे तो डिसऑर्डर ही आएगा। अच्छा ये वर्ड क्यों लिखा है, क्योंकि ये वन वर्ड में आया, बहुत बार आ चुका है, ये वन वर्ड में बहुत बार आ चुका है, और ये जो पेंडेमोनियम है, पेंडेमोनियम, पेंडेमोनियम है ना, जो जो ऋषि मुनि पांडे है ना, पांडे मुनि होते हैं, जो ऋषि मुनि है ना, पांडे मुनि, वो ओम का जाप करते हैं, जब ओम करते हैं तो पूरा आसपास का जितना भी वातावरण है वो नॉइजी हो जाता है, डिसऑर्डर हो जाता है, तो पेंडेमोनियम ही याद रखना है। अच्छा इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, जो बिल्कुल है ना ऑर्डर में रहता है, बिल्कुल शांत, पीस या हार्मनी या अरेंजमेंट है, इसको डिस अरेंजमेंट बोल सकते हैं। तो मुझे ये बताओ पहले, ये जो केओस वर्ड है, बहुत ही अच्छा वर्ड बच्चे, बहुत ही अच्छा वर्ड है, तो इनको याद करना है। तो इसको क्या करेंगे, केओस का मतलब क्या हो जाएगा, पेंडेमोनियम, अनार्की, डिसऑर्डर, डिस अरेंजमेंट, और इसका ऑर्डर, पीस, हार्मनी और अरेंजमेंट, इसका ऑपोजिट हो जाएगा। तो मुझे अब बताओ, अब एक भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए, अब एक भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए इसका आंसर, अब फटाफट बताओ इसका सही आंसर क्या करोगे, तुम्हें बताना क्या है, ऑपोजिट वर्ड बताना है, ऑपोजिट वर्ड बताना, फटाफट बताओ। अब एक भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए, एक भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए, और जिनको सच में अगर इंग्लिश करनी है ना बढ़िया, डेली 10 बजे, और कल एडजेक्टिव का चैप्टर खत्म, नाउन बहुत भयंकर पढ़ा चुका हूं,
कल शनिवार है तो कल 3 घंटे टाइम दो, एडजेक्टिव जिंदगी में दोबारा नहीं पढ़ने दूंगा। कल 3 घंटे सारे बच्चे कल 10 बजे आ जाना, 3 घंटे लगातार। अगर तुम कहोगे थ्योरी पढ़ा दो तो मैं थ्योरी पढ़ा दूंगा, अगर तुम कहोगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दो तो मैं वो करा दूंगा। इसका सही ऑपोजिट हो जाएगा हार्मनी। अगला वर्ड देखो, ठीक है ना। तो ये मुझे कमेंट करके बता दिया करो कि थ्योरी पढ़नी है या ओनली प्रैक्टिस। चाहे मैं थ्योरी पढ़ाऊं चाहे मैं प्रैक्टिस कराऊं, तो कल एडजेक्टिव 3 घंटे एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा जिंदगी में ना। दोबारा एडजेक्टिव को खोल के नहीं देखना है, दोबारा कभी एडजेक्टिव देखना ही नहीं है, ये समझ लो। वैसे तो मैं 6 घंटे की मैराथन लेने वाला था बट 6 घंटे का काम हो नहीं पाया, तो है ना 3 घंटे काफी है। चलो फटाफट देखो, तो प्रोट्रूड का मतलब क्या होता है? प्रोट्रूड सुना कभी तुम लोगों ने? अब ये प्रोट्रूड वर्ड है क्या चीज, इसका ऑपोजिट हमें बताना है। तो पहले फटाफट देखो, फटाफट। अच्छा एक बात बताओ बच्चे, अगर तुम्हें ना इस वर्ड, मैंने तुक्का मारना तुम्हें सिखा रखा है, मैंने तुक्का मारना भी तुम्हें सिखाया है कि इस वर्ड का मीनिंग जब अगर तुम्हें नहीं पता हो, जब भी बहुत सारे तुम्हें से बच्चे पता क्या है? तुम भाई हम इससे ज्यादातर क्या गांव के लोग हैं, तो नहीं पता तो नहीं पता, तो छोड़ना नहीं है। पहले क्या करना है, इन वर्ड को देखो क्या पता तुक्का लग जाए यार, है ना। देखो डिस्टेंड है ना, या एक्सट्रूड या एक्सटेंड, ये तीनों वर्ड एक जैसे नहीं लग रहे भाई? मुझे तीनों वर्ड एक जैसे से लग रहे हैं, तो मुझे लग रहा है श्रिंक अलग वर्ड है, तो मैं तुक्का मार सकता हूं 1% तुक्का तो लगा सकते हैं। तो प्रोट्रूड का मीनिंग क्या होता है अभी देखते हैं। पहले सारे वर्ड देखो, सारे वर्ड हमें बढ़िया से करना है, फिर आज बढ़िया से वॉइस की प्रैक्टिस, नरेशन, पैराजम्बल है ना, इडियम्स भी करेंगे, रूट वर्ड भी करेंगे, सब करेंगे एक क्लास में। तो प्रोट्रूड का मीनिंग क्या होता है? प्रोट्रूड का, अच्छा एक बात बताओ, एक बार दिमाग लगाओ ये क्या कर रही है। अभी ये क्या कर रही है, फटाफट दिमाग लगाओ इनको। अब देखो ये क्या है, लड़की है, एक ही लड़की, इसको किसी की बात पता चल गई है ना, अभी किसी की बात पता चल गई, अभी दूसरे के कान में ना चुगली करके आ रही है, इसका मतलब अब इसने इसके पास पहुंचा दी बात, अब ये आगे किसी के पास बात पहुंचाएगी, फिर वो आगे मतलब कि पूरा क्या हो जाएगा, फैल जाएगी। मतलब इनको एक बात पता चल गई, अबे इस लड़की को एक बात पता चल गई, अब भैया एक को पता चल गई, मतलब फैल गई पूरे मोहल्ले में। तो ये क्या कर देंगे, पूरी चीज फैला देते हैं, कोई न्यूज मिलती है, कोई बात मिलती है, उनकी चुगली कर कर करके पूरे मोहल्ले में, पूरे देश में फैला देती है, है ना। तो बच्ची देखो प्रोट्रूड का मतलब क्या होता है, फैलाना। कोई भी न्यूज होती है, कोई भी बात अगर किसी न्यूज को अगर फैलाना हो, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोट्रूड, है ना। कोई भाई साम्राज्य है या कुछ भी अगर हमें फैलाना हो तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोट्रूड करना, भाई प्रोट्रूड करते, है ना। तो अच्छा तुम इससे कोई ऐसा है क्या बच्चा, जो भाई अगर मैं कहूंगी मत बोलता ना, भाई शेयर कर दो, है ना, अपनी क्लास को शेयर कर दो, अरे शेयर कर दिया करो, अरे पूरी ये सब लोग प्रोट्रूड कर दो, फैला दो पूरी इंडिया में क्लास अपनी, है ना। तो प्रोट्रूड का मीनिंग क्या होता है, फैलाना, है ना, फैलाना। प्रोट्रूड कर दो भाई, प्रोट्रूड कर दो मतलब इसका अंदर होता है फैलाना। अब इसको याद कैसे करेंगे, याद करेंगे पूरे और ट्रेड, तो भाई पूरे ट्रेड व्यापार, तो पूरे ट्रेड को हमें पूरे विश्व में फैलाना है, पूरे ट्रेड को हमें पूरे विश्व में फैलाना है। तो है ना प्रोट्रूड बहुत अच्छा वर्ड बच्चे, बहुत ही अच्छा वर्ड है, तो बढ़िया से कर जाना है, ठीक है ना। तो जो बच्चे अभी है ना हेड कांस्टेबल का, पीसीएल का, या आगे सीपीओ सीजीएल पेपर दे रहे हैं, तो ये बढ़िया से इनमें से तुम्हारा काम बन जाएगा, बढ़िया से करते रहो। तो देखो इसका सिनोनिम क्या करेंगे, फैलाने का मतलब क्या होता है, एक्सटेंड का मीनिंग पता ही है ना, और डिस्टेंड का मतलब भी क्या होता है, फैलाना, और एक्सट्रूड है ना, प्रोट्रूड एक्सट्रूड, ये तो सेम वर्ड है, तो ये वाला याद करना है। इसका ज्यादातर अगर सिनोनिम पूछेंगे तो एक्सटेंड। अच्छा एक चीज याद करना है, एक तो होता भाई क्या, एक तो होता है चीजों को फैला देना, और एक तो सिकोड़ लेना, मतलब उसको वहीं पे रखना, है ना, यानी कि कीप हो जाएगा, डिप्रेस या श्रिंक, ये वाला अच्छा होता है। श्रिंक का मतलब क्या होता है, श्रिंक का मतलब कि सिकोड़ना, ना कम कर देना, एक तो हो गया फैलाना, एक हो गया कम कर देना, तो ये श्रिंक इसका क्या हो गया, ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा। तो अब मुझे एक बात बताओ बच्चे, है ना, प्रोट्रूड का मीनिंग बताओ, इसका सही आंसर बताना है। प्रोट्रूड का तुम्हें ऑपोजिट वर्ड बताना था, अब मैंने इसको अच्छे से समझा दिया है। प्रोट्रूड का मतलब फैला देना, है ना, एक्सटेंड कर देना, डिस्टेंड कर देना, या एक्सट्रूड कर देना। अब इसका ऑपोजिट बताना है, ऑपोजिट बताना है, तो अब इसका सही सबका आंसर हो गया थर्ड, बिल्कुल सही आंसर है, सभी बच्चों का बिल्कुल सही है। अच्छा तुम्हें से कोई नया बच्चा तो नहीं है? जिन बच्चों की अगर फर्स्ट क्लास है तो उनको बता दो बच्चे, ये अपनी डेली 10 बजे क्लास होती है, लेट मत आया करो भाई, है ना। जिन बच्चों की फर्स्ट क्लास है, डेली 10 बजे क्लास है, और कल की क्लास चलेगी तुम्हारी 1 बजे तक, इसमें 3 घंटे, ये कल की, ये समझ लो कल की 3 घंटे के मैराथन ले रहा हूं, इसमें पूरा का पूरा एडजेक्टिव खत्म। और जिन बच्चों को भाई, अच्छा मैं ये सोचता हूँ कि कल प्रैक्टिस करवा देंगे, इसकी कल प्रैक्टिस करवा देंगे, जिंदगी में दोबारा कभी एडजेक्टिव नहीं पढ़ने दूंगा। जैसे मैंने नाउन का पूरा निचोड़ करवा दिया है, अभी लेवल 3 तो बच रहा है, सीजीएल लेवल है ना, मेंस लेवल का, तो कल ये खत्म हो जाएगा, तो कल की क्लास लेना ना भूले। अच्छा एक चीज और बता देता हूँ, है ना, चलो बाद में बताऊंगा,
यार पहले ल्यूनेसी वर्ड है, अच्छा वर्ड है, कहीं तुम भाग ना जाओ, इससे पहले ही वर्ड करा दो। कुछ बच्चे उनको नींद आ जाती है पढ़ते पढ़ते, बेचारे थक जाते हैं। बढ़िया है कि ये सबसे बढ़िया तरीका है इंग्लिश पढ़ने का, 10 से 11 है ना, 1 घंटे 1.5 घंटे बढ़िया टाइम है। तो सोते सोते वोके भी याद हो जाएगी तुम्हारी, है ना, फिर सो जाओ सुबह उठ के दोबारा फिर कर लो, है ना। ल्यूनेसी का मीनिंग क्या होता है, ल्यूनेसी का ऑपोजिट वर्ड बताना है। ल्यूनेसी कितना बढ़िया वर्ड है, कितना बढ़िया वर्ड है। तो ये हेड कांस्टेबल वाले, स्टेनो वाले, सीएचएसएल पीसीएल वाले, इनको बढ़िया से देखना है ल्यूनेसी क्या है ये वर्ड। ल्यूनेसी कभी सुना है, ल्यूनेसी, तो भाई इसका हमें ऑपोजिट बताना है। तो एसिडिटी होगा या सेननेस होगा, आइडियोसी या फोली, कौन सा करेंगे, सारे ऑप्शन बढ़िया है। एक बात बता दो बच्चे, जितना इंपॉर्टेंट ये ल्यूनेसी वर्ड नहीं है ना, उससे ज्यादा कहीं तो इसके ऑप्शन है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो इसके ऑप्शन है। तो हर वर्ड का तुम्हें पता होना चाहिए। तो कितने बच्चे इसका आंसर, कोई बता रहा सी, कोई बता रहा है बी, अच्छा कोई बता रहा है डी, काइंड, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड बच्चे, बहुत बढ़िया। थ्योरी करवा, चलो ठीक है कल थ्योरी करवा देंगे, कल थ्योरी करवा देंगे, ठीक है। अब बच्चे सुनो ध्यान से, पहले ये जो ल्यूनेसी वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है, पर उसके पहले तुम एक पिक्चर देखा रहो, इस पिक्चर को देखो। अच्छा एक बात बताओ, ये देखो बावड़ी त्रेड, हाय ये अच्छा एक बात बताओ, लोकल भाषा में हमारे यहाँ ये बोलते हैं बावड़ी त्रेड, कभी नाम सुना बावड़ी त्रेड, बावड़ी त्रेड को क्या बोलते हैं, अभी बंद बुद्धि, मंद बुद्धि, बंद बुद्धि, मंद बुद्धि का नाम सुना होगा, यानी कि जो पागलपन है ना इसके अंदर, देखो पागलपन नहीं लग रहा, पागलपन, पागल अभी मूर्ख, तो पागलपन का तो नाम तुम लोगों ने सुना होगा पागलपन, है ना। तो जो पागलपन होता है ना, पागलपन, उसको बोलते हैं ल्यूनेसी। अभी देखो कितना बेवकूफ है, बैठा हुआ है भाई, घर से निकला था तैयारी करने एसएससी की, अरे भैया काम हुआ नहीं, इधर उधर भटकता रहा पहले, तो अभी पागलपन का शिकार हो गया, है भाई ये पागलपन का शिकार हो गया, तो क्या किया जाए। तो पागलपन हमें ये वर्ड को समझ में आ गया पिक्चर को देखे। तो ल्यूनेसी मीनिंग क्या होता है, ल्यूनेसी, अभी क्या तुम्हारे अंदर पागलपन है, अभी क्या तुम्हारे अंदर पागलपन है क्या, इस बार नौकरी लेने का, जॉब लेने का है, तो बताओ फटाफट सारे बच्चे, क्या तुम्हारे अंदर एक पागलपन है। पागलपन का मतलब भी अलग अलग अर्थ है, अरे पागलपन होना भी चाहिए यार, अगर पागलपन होना ना तो देश की सेवा के लिए एक जुनून होना चाहिए यार, नौकरी लेनी है ना तो लेनी है, दुनिया को दिखा देंगे इस बार नौकरी ले सकता है मैं भी, भाई झुकेगा नहीं, करना तो करना है यार, एक बार जय हिंद बोल दो सारे बच्चे। चलो तो ल्यूनेसी का मतलब क्या हो जाएगा, पागलपन, 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 ल्यूनेसी है यार, मेरे अंदर ल्यूनेसी है, मेरे अंदर ल्यूनेसी है, पागलपन है, तुम्हें पढ़ाने का, तुम्हें सिखाने का एक पागलपन है, क्या तुम्हारे अंदर पागलपन है सीखने का, है क्या। तो चलो बच्चे ल्यूनेसी का मतलब क्या हो जाएगा, पागलपन, पागलपन। अब इसको याद कैसे करेंगे, लोन, याद कैसे करेंगे, लोन, तो लोन में वह इस तरह उलझा कि पागलपन का शिकार हो गया। तो पागलपन एक भाई जो तुम्हारा इसका ना ल्यू, एक पागलपन भी होता ना जो जगह, अब जैसे देखो ये पागल हो गया, अब बैठा हुआ है, हे भगवान मिलवा दो उससे, तो पागलपन, पागलपन, तो मैंने इसको अलग दोनों तरीके से बता दिया है, ठीक है ना। आ जाओ तो अब इसकी सिनोनिम बड़े इंपॉर्टेंट है भाई, जितना ये ल्यूनेसी वर्ड इंपॉर्टेंट है ना, उससे कहीं ज्यादा इसके, उससे कहीं ज्यादा इसके सिनोनिम बड़े इंपॉर्टेंट है। अच्छा फोली वर्ड का नाम सुना कभी, फोली का मतलब क्या होता है, पागलपन, है ना। सिलीनेस, सिलीनेस का नाम भी सुना होगा, ये वाला वर्ड है एब्सर्डिटी, तो बच्चे याद कर लेना भैया इसको, अपनी खोपड़ी में बैठा लो इसको, अबे इसको खोपड़ी में बैठा लो, तो भाई अब एसिडिटी इतनी बढ़ गई है कि मैं पागलपन का शिकार हो गया, अब एसिडिटी इतनी बढ़ गई है कि मैं पागलपन का शिकार हो गया, तो एब्सर्डिटी, 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 एब्सर्ड ड्यूटी नहीं करते हैं, एब्सर्ड ड्यूटी नहीं करते हैं, पागलपन का शिकार हो गए हैं, तो यही याद रहेगा। क्रेजीनेस तो याद रहेगा, क्रेजीनेस तो याद रहेगा, है ना, मैडनेस भी याद रहेगा, आइडियोसी, आइडियोसी ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये 3 वर्ड पे मैंने इंपॉर्टेंट लगाया, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं इस बार एग्जाम में, ठीक है ना। तो इतनी मेरी गारंटी है बच्चे, अगर जो बच्चा खासकर सीजीएल सीपीओ की भी तैयारी कर रहा है ना, उनके पास तो अच्छा टाइम है, एक बार ये समझ लो पूरा 1-2 महीने बढ़िया से कर लोगे ना, इंग्लिश में मारने खाओगे। तुम में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मुझसे 4-5 महीने पहले आए थे, उनको उन्होंने बोला था सर इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता, आज वो देख लो फटाफट आंसर लगाए, भाई कुछ भी उनका कुछ भी गलत नहीं होता, ना उनका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन गलत होने दे रहा, ना उनका वॉइस नरेशन गलत हो रहा, ना उनका पैरा जम्बल गलत हो रहा, और आज कराऊंगा भी, इसके बाद कराऊंगा तो देख लेना, गलत तो होते ही नहीं है बच्चे। तो एक बार कहीं भी अगर तुम मुझे 2 महीने भी दे देते हो ना, तो फिर मुझे बताने की तुम्हारी इंग्लिश वीक है, इंग्लिश वीक नहीं रहने दूंगा। तो बच्चे अपना वर्ड क्या था, ल्यूनेसी, ल्यूनेसी का मतलब पागलपन, फोली, सिलीनेस, एब्सर्डिटी या क्रेजीनेस, मैडनेस या आइडियोसी, आइडियोसी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अच्छा एक हो जाएगा जो, एक तो होता है पागलपन,
एक होता है स्याड़, अपन सुना ना स्याड़ पति, जो बिल्कुल स्याड़ा होता है, जिसके अंदर सेंस होता है। तो भाई सेंस हो गया या बुद्धि विजडम, एक ये जो सेननेस है, सेन का मतलब क्या था ना स्याणा, और स्याणी स्याणपंथी जिसको बोलते हैं स्याणपति, स्याणपति बोलते हैं, तो स्याणपंथी बोलते हैं, तो होता है सेननेस। तो बच्चे हमें ये बताना था, ये जो वर्ड है, ये जो वर्ड था ल्यूनेसी, इसका तुम्हें ऑपोजिट बताना। अब एक भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए, अब एक भी बच्चे का गलत आंसर नहीं होना चाहिए। और जो बच्चे अभी लेट आए हैं उनको बता दूं, कल 10 से 1 बजे तक 3 घंटे की मैराथन है, उसमें यार मैराथन में एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा, एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा। एक भी बच्चे का, एक भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो कह देगा कि एडजेक्टिव आज के बाद हमें पढ़ने की जरूरत है, एडजेक्टिव पढ़ने नहीं दूंगा आज के बाद कभी जिंदगी में, कल के बाद। तो कल 3 घंटे में सारा एडजेक्टिव खत्म। तो इसका ऑपोजिट वर्ड बताना है, तो कौन सा हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा, बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो बी वाले के बच्चों का बिल्कुल सही आंसर, बहुत बढ़िया। अगला वर्ड देखो, नेक्स्ट वर्ड देखो, तुम्हें बस इतना करना है डेली, और तुम्हें लाइक करना तो लाइक कर सकते हो, बाकी कोई दिक्कत भी नहीं है। अगला वर्ड क्या है इसका, वो नहीं है, तो एक्वेंट। एक्वेंट का मीनिंग क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है एसएससी में कई बार। अच्छा, ये जितने भी वर्ड मैं तुम्हें करा रहा हूं, जितने भी वर्ड मैं तुम्हें करा रहा हूं, ये सारा ये सुन लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, ये सारे वर्ड आए हुए हैं। कुछ ऐसे वर्ड हैं जो द हिंदू वगैरह में पूछे जाते हैं, द हिंदू वगैरह में आते हैं, तो ये सारे मिक्स है बच्चे, ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इतने अब कुछ बच्चे कहेंगे इतने छोटे छोटे वर्ड हैं, तो बच्चे क्योंकि मैं तुम्हें ना सारे वर्ड करा रहा हूं, जैसे इसी वर्ड को देख लो, इसी वर्ड को अगर देखा जाए तो ये जो फोली है, सिलिनेस है, या ये आईडियोस है, ये तो हो गया जो सीएचएसएल एमटीएस हेड कांस्टेबल, और एब्सिडिटी हो गया, ये हो गया सीजीएल सीपीओ वाले के लिए, लुनेसी है ये भी सीजीएल सीपीओ और स्टेनो इनके लिए है। तो मैं चाहता हूं कि जो बच्चा किसी भी एग्जाम का देख, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, तो इस क्लास में उससे बाहर आए ना। मेरा एम यही रहता है कि जितने भी वर्ड कराऊं उसमें सीजीएल वालों के लिए भी हो, उसमें सीएचएसएल वाले भी हो, एमटीएस हेड कांस्टेबल पीसीएल हर एक बच्चे के लिए हो जाए। तो करो बच्चे, एक्वेंट का मीनिंग क्या होता है। अच्छा, इस पिक्चर को देखो पहले, इस वर्ड का मीनिंग छोड़ो, ये देखो एक लड़की एक लड़का है, ये क्या कर रहा है, ये इसको समझा रहा है, यानी कि तुम्हें नहीं लगता कि कुछ इंट्रोडक्शन दे रहा है, अरे इसको ना कुछ इंट्रोडक्शन दे रहा है ना, समझा रहा है, तो वही इस पिक्चर को ये लग रहा है ना, परिचित करवा रहा है किसी चीज से। तो एक्वेंट का मीनिंग क्या होता है, परिचित कराना, परिचित कराना मतलब इंट्रोड्यूस करना, सीधी सी बात है, इसका इंग्लिश मीनिंग क्या हो जाएगा, इंट्रोड्यूस करना। तो बच्चे इंट्रोड्यूस को ही हम क्या बोलते हैं, एक्वेंट बोलते हैं, है ना, एक्वेंट। एक्वेंट का मीनिंग क्या होता है, इंट्रोड्यूस करना, तो ये वर्ड याद रखना है। तो एक आंट, आंट मतलब आंटी, तो एक आंटी से उसने मुझे परिचित करवाया, एक आंटी से भाई, एक आंटी से उसने मुझे परिचित करवाया, मतलब कि इंट्रोडक्शन करवाया मेरा। तो एक्वेंट का मीनिंग क्या होता है, इंट्रोड्यूस करवाना, है ना, किसी के सामने प्रेजेंट करना, नोटिफाई करना, या एनलाइटन, ये वाला वर्ड है जो कई बार आ चुका है। एनलाइटन का मतलब क्या होता है, इंट्रोड्यूस करना, है ना, किसी को भाई प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट करना या नोटिफाई करना, इंट्रोड्यूस करना, तो ये वाला वर्ड है एनलाइटन, कई बार पूछा जा चुका है। तो एनलाइटन का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट, नोटिफाई या इंट्रोड्यूस। अच्छा, एक होता है ये वाला वर्ड, तो कोई अगर तुम से बच्चे ये वाला वर्ड है, पीसीएल वाला कोई बच्चा है या हेड कांस्टेबल वाला, तो बच्चे इस वर्ड को याद करके जाना, इस वर्ड को याद करके जाना जब एग्जाम में जाओ। तो कंसील, कंसील का ऑपोजिट सिनोनिम पूछा जाता है, और वो भी ऑप्शन में हाइड मिलेगा, दो बार लिखा गया, क्योंकि यह दो बार इसलिए है क्योंकि आता है एग्जाम में, तो इसका सिनोनिम पूछा जाता है जिसका मीनिंग होता है हाइड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कंसील, कंसील का मतलब हाइड करना, छुपाना, तो ये वाला याद करके जाना मेरे बच्चे, इनको याद करके जाना, है ना। तो कंसील का मतलब हाइड करना, कंसील का मतलब हाइड करना, ये वाले एग्जाम में आए या ना आए, ये वाला वर्ड जरूर एग्जाम में आता है, कंसील, कंसील का मतलब हाइड करना, बहुत बार आ चुका है एसएससी में, कई बार आ चुका है। तो ये बच्चे अपने हो गए वर्ड। तो अब मैं बता देता हूं कि अपने क्लास में बहुत सारे बच्चे नए आए हैं आज, तो उन बच्चों को बता दूं, बच्चे डेली हमें करना होता है वोकैब का देसी तड़का, पहले तो हमें करना होता है वोकैब का देसी तड़का, देसी तड़का मतलब पिक्चर दिखा दिखा के वर्ड याद करना। इसके बाद अब उसके बाद मैं करवाता हूँ रूट वर्ड, रूट वर्ड में तुम्हें क्या याद करना है, वन वर्ड, है ना, रूट वर्ड के द्वारा मैं तुम्हें वन वर्ड करवा रहा हूं, कम से कम बहुत सारे करवा चुका हूं अब तक। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद मैं तुम्हें कराऊंगा इडियम्स, और डेली अब तक 40 इडियम करा चुका हूं, 20 इडियम आ जाएंगे, फिर वॉइस, डेली वॉइस नरेशन मैं करवाता ही हूं, आज भी होंगे। इसके बाद करेंगे पैरा जंबल, इसके बाद करेंगे पीक्यूआरएस, और इसके बाद होगा तुम्हारा आज क्लोज टेस्ट, अगर टाइम बचता है तो फटाफट करना पड़ेगा, एक काम तो अपना हो गया है। आगे बढ़ते हैं रूट वर्ड, चले शुरू करें।
तो रूट वर्ड में है ना ए टू जेड करवा रहा हूं, ए टू जेड मैं रूट वर्ड करा रहा हूं, जिसमें से ए और बी वाले हो गए, सी वाले खत्म होने वाला है, तो सी वाला है। तो रूट वर्ड क्या होते हैं, सुनो ध्यान से, रूट वर्ड क्या होते हैं, इसमें क्या है? अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि हमारे रूट वर्ड आती नहीं है, तो बच्चे रूट वर्ड में से वन वर्ड आते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसमें क्या होता है, कोई वर्ड दिया होता है जैसे सी ए टी ए, तो कोई भी वर्ड जिसमें सी ए टी ए आ गया तो मतलब उसका मीनिंग होता है डाउन या अगेंस्ट, उसका मतलब डाउन या अगेंस्ट से ही निकलेगा। जैसे तो अब तक अच्छा पहले इसके एक वन वर्ड है, इसका आंसर देना, ऑप्शन नहीं दूंगा तुम्हें, इसमें ऑप्शन नहीं दूंगे, ठीक है ना। तो जिन बच्चों की फर्स्ट क्लास है तो डेली आ रही करो ना, डेली आ करो, इंग्लिश इंप्रूवमेंट करवाने की मेरी गारंटी है, ठीक है ना। जिनको इंग्लिश से डर लगता है तो बच्चे क्या करेंगे कि द प्रोसेस बाय विच केमिकल स्ट्रक्चर्स आर ब्रोकन डाउन एंड एनर्जी इज रिलीज। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोगों ने कभी सुना होगा, हाँ भाई तुम लोगों ने कभी यूरेनियम सुना होगा, हाँ भाई यूरेनियम, तो बच्चे यूरेनियम पे क्या होता है, तुम लोगों ने सुना होगा कि न्यूट्रॉन की अगर बोछार करते हैं ना तो आगे बेरियम और क्रिप्टॉन में बदल जाता है ना, बेरियम और क्रिप्टॉन में बदल जाता है और बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है ना, ऐसे करके तुम लोगों ने सुना होगा बहुत सारी एनर्जी। तो ये यूरेनियम बम होता है ना, यूरेनियम बम पे जब न्यूट्रॉन की बुछारी कर जाती है तो ये ना बेरियम और क्रिप्टॉन में बदल जाता है, जो तबाही का काम करते हैं, और एनर्जी क्या होती है निकलती है इसमें बहुत ज्यादा, बहुत सारी एनर्जी निकलती है, तो उसको क्या बोलते हैं, यानी कि उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। तो ये साइंस, ये जो बच्चे सीजीएल वाले बहुत याद रखना है, सीजीएल सीपीयू वालों को तो ये लिख लेना है। तो बच्चे द प्रोसेस बाय विच केमिकल स्ट्रक्चर्स आर ब्रोकन डाउन एंड एनर्जी इज रिलीज, इसके लिए कोई एक वर्ड बताओ, हाँ भाई इसके लिए कोई वर्ड बताओ। अब इस बार तुक्का नहीं मारोगे क्योंकि इस बार मैं ऑप्शन दे ही नहीं रहा, इस बार मैं तुम्हें ऑप्शन दे नहीं रहा, तो क्या करेंगे इसको, तो इसके लिए देखो एक वर्ड आता है बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, कैटाबोलिज्म। तो कैटाबोलिज्म का नाम सुना कभी, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और जिन बच्चों ने भाई जो साइंस बैकग्राउंड से तो उन्होंने सुना होगा। तो कैटाबोलिज्म, तो बच्चे मैंने क्या कहा कि कोई भी वर्ड जिसमें सी ए टी दे रखा हो उसका मतलब डाउन और बिलीन टू का मतलब टू थ्रो। तो देखो तुमसे पूछा जाएगा एग्जाम में, तुमसे कैसे पूछा जाएगा, आधे बच्चों को तो पता ही नहीं रूट वर्ड आएंगे कैसे, तो बच्चे एग्जाम में पूछा जाएगा कि द प्रोसेस बाय विच केमिकल स्ट्रक्चर्स आर ब्रोकन डाउन एंड एनर्जी इज रिलीज, तो इसके लिए हमें एक वन वर्ड, एक वर्ड में इसका आंसर देना है। तो जिसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, कैटाबोलिज्म, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कैटाबोलिज्म। तो कितना बढ़िया वन वर्ड है, कितना बढ़िया वन वर्ड है, जिन बच्चों को अगर सीजीएल सीपीओ देना ना खासकर, उनके पास अच्छा मौका बच्चे, कम से कम अभी भी तीन चार महीने है, तीन चार महीने का अभी भी समझो तीन महीने है, तो तीन महीने में अगर इंग्लिश में दिक्कत नहीं आएगी, ये मैं गारंटी ले रहा हूं, इंग्लिश में एक भी बच्चों को प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस रेगुलर क्लास देखते रहना, फिर मुझे मत बोलना कि भाई क्लास नहीं ली फिर भी हमारा करवा दो इंग्लिश। अगला देखो नेक्स्ट क्या है, अब तुमसे पूछा जाएगा कि अ सडन वायलेंट चेंज इन द अर्थ सरफेस। कभी कहा तुम लोगों ने सुना होगा कि अर्थ के सरफेस में कोई एकदम से सडन वायलेंट चेंज आता है ना, धमाकेदार चेंज आता है, तो उसके लिए एक वन वर्ड में आंसर देना है। तो इसके लिए उसको क्या बोलते हैं, इसके लिए कोई वन वर्ड बताओ। तो ऐसे वन वर्ड तुमने कभी नहीं सुना होगा कि जो एग्जाम में, जो नॉर्मल एग्जाम में आते हैं, तो मैं तुम्हें बहुत पहले भी करवा चुका हूं, दोबारा उनको करवाऊंगा, उससे पहले वो चीज करवा दो जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस बार सीजीएल में ना वो नॉर्मल वन वर्ड इडियम्स नहीं आएंगे, पहले बता रहा हूं, नॉर्मल वन वर्ड कतई नहीं पूछेंगे इस बार सीजीएल में, ठीक है ना। तो तुम्हें अच्छे लेवल के वन वर्ड पढ़ना ही पड़ेगा, तो ये वन वर्ड मैं गारंटी ले रहा हूं आज तक कभी नहीं पढ़ा होगा तुम लोगों ने, कि अ सडन वायलेंट चेंज इन द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस। तो इसके लिए वन वर्ड क्या रहेगा, वर्ड देखो, तो क्या तुम लोगों ने ये वर्ड कभी सुना, जिंदगी में कभी नहीं सुना होगा, और ये चीज मैं पढ़ा रहा हूं अच्छी भी नहीं लगेगी, बट पढ़ना तो पड़ेगा बच्चे, ये जो चीज पढ़ा रहा हूं तुम्हें अच्छी नहीं लगी होगी पर पढ़ना पड़ेगा, अगर नौकरी लेनी है पढ़नी तो पड़ेगी भाई, पढ़नी तो पड़ेगी। तो देखो एक वर्ड होता है कैटेसाइक्ली, है ना, तो कैटेक्लिज्म का मतलब क्या होता है, तो कैटेक्लिज्म का मतलब क्या होता है बच्चे, अ सडन वायलेंट चेंज इन अर्थ सरफेस। तो अर्थ के सरफेस में जो अचानक से धमाकेदार जो चेंज होता है उसको बोलते हैं कैटेक्लिज्म, मतलब कि परले को जिसको बोलते हैं, परले आता है, उथल पुथल को तो नाम सुनागा, उथल पुथल, तो बच्चे जो परले आता है जैसे कि नहीं केदारनाथ पे या उत्तराखंड में ना एकदम से क्या हो जाता है, पहाड़ नीचे धस जाता है ना, उत्तराखंड में सुनते हो ना केदारनाथ जाते हैं तो उसमें पहाड़ नीचे धस जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कैटेक्लिज्म, बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चे, तो सीजीएल सीपीओ वालों के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। चलो तो अच्छा इसके देखो, इसके सिनोनिम बड़े पूछे जाते हैं, अच्छा एक बात सुनो ध्यान से, कुछ बच्चे नए होंगे तो तुमसे पूछ ले कि जो है ना आपदा, परले को क्या बोलते हैं आपदा, तो आपदा को और क्या क्या बोल सकते हैं,
तो ये सारे वर्ड देखो नीचे मैं डिजास्टर तो मैं करा चुका हूं, है ना, कैलेमिटी करवा चुका हूं, या कैटेस्ट्रोफ, ये तो भैया इस बार एग्जाम में आने वाला है। सीजीएल सीपीओ वालों को तो लिख लो अपने दिमाग में, ये वाला वर्ड ना आने वाला है। कैटेस्ट्रोफ का मतलब क्या होता है, जो आपदा होता है, प्रलय होता है, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार बता चुका हूं मैं तुम्हें, इसी ना रूट वर्ड में बता चुका हूं। तो डिजास्टर का मतलब क्या होता है, आपदा, कैलेमिटी या कैटेस्ट्रोफ, कैटेस्ट्रोफ का मतलब होता है कैटेक्लिज्म। तो ये याद रखना बच्चे, तो ये वन वर्ड में ये हो गया, वन वर्ड पूछेंगे तो ये लाइन पूछेंगे तुम्हें, तो इसका आंसर ये देना है। अब इसका सिनोनिम पूछे तो इनमें से कोई सा भी सिनोनिम आ सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों जो रूट वर्ड करा रहे हो ना ये तो लिख लो, मैंने तुम्हें कहा था ना इसका एक अलग से रजिस्टर बना लो रूट वर्ड का, दो अब तक बहुत सारे करवा चुका हूं, 307 हो चुके हैं। चलो अगला देखो, नेक्स्ट क्या है कि अ वुडन फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स द कॉफिन ड्यूरिंग अ फ्यूनरल। फ्यूनरल का मतलब क्या होता है, जैसे तुम लोगों ने कभी देखा होगा कि अगर कोई मरा जाता है ना, तो उसको ऐसे लकड़ी का क्या होता है, ऐसे बॉक्स बना देते हैं ना, और उसके अंदर फिर ना वो जो भी डेड बॉडी होती है उसको रखते हैं। तो मतलब उनको ये मतलब एक लाठ लकड़ी का काट का एक बनाते हैं, लकड़ी काट का, जैसे एक पिक्चर दिखाता हूँ, ये दिख रहा हूं तो ये वाला, तो इसको क्या बोलते हैं, ये वाला पिक्चर दिख रही, तो इसको इसके लिए कुछ तो बोलते हैं इसको, तो क्या यूज करते हैं, तो देखो तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चे, तो ये वर्ड बहुत आते हैं। तो अ वुडन फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स द कॉफिन ड्यूरिंग अ फ्यूनरल, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चे, कैटेफॉग, कैटेफॉग, है ना, एल इसमें साइलेंट रहेगा, एल इसमें साइलेंट रहेगा। तो कैटेफॉग का मीनिंग क्या होता है कि अ वुडन फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स द कॉफिन ड्यूरिंग अ फ्यूनरल, मतलब कॉफिन भी वो इसका बोल सकते हैं, है ना, तो ये चीज याद रखना है ना, तो ये चीज बढ़िया से कर लेना। तो ये वन वर्ड में ही आएगा, जब भी आएगा तो ये वन वर्ड ही पूछेंगे, पूछेंगे कैसे, तुम्हें दिया होगा कि अ वुडन फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स द कॉफिन ड्यूरिंग अ फ्यूनरल, तो इसका आंसर तुम्हें क्या देना है, कैटेफॉग, कैटेफॉग, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये बच्चे इनको लिख लेना, बस मैं तुम्हें इसलिए करवा रहा हूं ताकि तुम्हें एक अच्छा कंटेंट मिल सके फ्री में, ठीक है ना। अगला देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आ चुका है एग्जाम में, कई बार एग्जाम में आ चुका है कि अ कंडीशन इन विच बॉडी बिकम्स स्टिफ एंड टेम्परेली बिकम अनकॉन्सियसनेस, मतलब कि नहीं होता बेहोशी की, बेहोशी की जो स्थिति होती है उसके लिए क्या बोलते हैं, तो अ कंडीशन इन विच बॉडी बिकम्स, जो बॉडी होती है क्या बन जाती है, बिल्कुल स्टिफ बन जाती है, टेम्परेली बिकम्स अनकॉन्सियस, मतलब कि जो ना जैसे कोमा में जाता है ना, कोमा में जाते हैं लोग, तो उसके लिए यूज करते हैं। तो इसके लिए सही वन वर्ड तुम्हें बताना है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, कितने गजब गजब के वन वर्ड करा रहा हूं। तो तुम लोगों ने वन वर्ड तो बहुत सारे पढ़ोगे, बट ऐसे वन वर्ड तुमने कभी नहीं पढ़ोगे। तो जिन बच्चों को खासकर सीजीएल और सीपीओ देना ना बच्चे, तो इस बार नए ही वन वर्ड आएंगे, मैं पहले बता रहा हूं, इस बार सारे के सारे नए वर्ड आएंगे, पहले बता रहा हूं, क्योंकि तुम्हें पता सीजीएल में क्वालिफाई नेचर कर दिया है, और इतने आसानी से क्वालिफाई नहीं होने देंगे, इतने आसानी से क्वालिफाई नहीं करने देगा सची। तो कुछ अलग तो पढ़ना ही पड़ेगा बच्चे, कुछ अलग से पढ़ना पड़ेगा, और मैं गारंटी ले रहा हूं, जिन बच्चे ने, जो बच्चा अगर जितने मैं रूट वर्ड मैंने कहा था ना 2000 रूट वर्ड कराऊंगा, जो बच्चा अगर ये 2050 बताया था मैंने, ये 2050 रूट वर्ड अगर कोई पढ़ गया ना, फिर मुझे नहीं लगता कि उसकी वोकैब में अगर दिक्कत आएगी, मुझे नहीं लगता। जिस दिन अगर ये 2050 रूट वर्ड कराऊंगा, जिस दिन अगर ये कर गए ना, तो बच्चे चाहे सीजीएल का पेपर दो, चाहे सीजीएल वाले कितना भी हाई लेवल का पेपर दे दे, इससे बाहर नहीं आएगा, मतलब नहीं आएगा। करना तुम्हें है, करवाने का काम मेरा है, तो तुमसे पूछा जाएगा कि कंडीशन इन विच बॉडी बिकम्स स्टिफ एंड टेम्परेली बिकम अनकॉन्सियस। तो बच्चे इसके लिए देखो एक वर्ड है, बहुत ही अच्छा वर्ड है, क्या वर्ड है, तो कैटेलेप्सी। कैटेलेप्सी का नाम सुना, कभी सुना ही नहीं होगा तुम लोगों ने, तो मिर्गी का रोग तो सुना होगा, जैसे मिर्गी आते हैं ना, जिसमें क्या होता है थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाते हैं, मिर्गी आते हैं ना, मिर्गी, तो कैटेलेप्सी। तो कैटेलेप्सी को क्या बोलते हैं, कि ऐसी कोई भी कंडीशन जिसमें जो बॉडी है वो स्टिप हो जाती है और थोड़ी देर के लिए क्या हो जाती है, अनकॉन्सियस हो जाती है, तो उसके लिए बोलते हैं बच्चे, उसको बोलते हैं, है ना, ये देखो ये मिर्गी रोग, मिर्गी रोग। अब मिर्गी रोग को हिंदी में जिसको याद करना कर लो बच्चे, कितना बढ़िया वन वर्ड है यार, इससे बढ़िया वन वर्ड तुम्हें और क्या मिलेगा। तो बच्चे इस बार थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ये थोड़ी बहुत चीजें, छोटी मोटी चीजें सीखकर तुम्हारे काम नहीं होने वाला है। तो बस ये चार दो तीन महीने अगर बढ़िया से कर लेनी तैयारी, तो इंग्लिश की तो मैं गारंटी ले रहा हूं, तो तुम फिर भी डेली क्लास देख लिया करो, बस इंग्लिश की मैं गारंटी ले रहा हूं, बस डेली क्लास देख लिया करो, 10 बजे क्लास होती है। और जिन बच्चों को विश्वास नहीं होता है, तो मैं एक बार बता भी देता हूं, जिन बच्चों को भाई ग्रामर में दिक्कत है, अच्छा तुम इससे क्या करते हैं, जो बच्चे एसएससी की तैयारी करते हैं, तो बच्चे जो ग्रामर है ना, ग्रामर ये सिर्फ 8 नंबर की आनी है सीजीएल की अगर बात करें,
बाकी में सारे जो 42 नंबर के आने ना वो सारी तुम्हारी वोकैब वन वर्ड इडियम्स पैरा जर्मन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सब यही आता है। तो इसलिए ये बाकी का जो देखो इसमें क्या है, मैं हर संडे सैटरडे ये तो तुम्हें ग्रामर करवा रहा हूं और बाकी 6 दिन, बाकी 6 दिन बच्चे मैं तुम्हें 42 नंबर का डेली करवा रहा हूं। तो क्या चाहिए तुम्हें, डेली वन वर्ड इडियम्स करा रहा हूं। अगला देखो, ये तो मेरे पास बोलने का थोड़ा कम टाइम होता है, मैं चाहता हूं कि ना मैं तुम्हें कम समझाऊं, कम ये चीजें ज्यादा बोलूं, कम ये चीजें ज्यादा सिखा दूं। करा करो बढ़िया से, मेहनत करना बच्चे इस बार। तो देखो, अ लिस्ट ऑफ आइटम्स सच एज नेम्स टाइटल्स और आर्टिकल्स यूजुअली इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यानी कि कोई भी ऐसी लिस्ट हो, किसी चाहे वो नाम की लिस्ट हो, चाहे वो किसी टाइटल्स के लिस्ट हो, चाहे कोई वस्तु आर्टिकल्स की लिस्ट हो जो बिल्कुल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होती है, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं। कितना बढ़िया वन वर्ड है यार, ये कितना बढ़िया वन वर्ड है। अब मैं ये गारंटी ले रहा हूं, अगर ये किसी अगर ये इस बार सीजल में आ गया ना, तो ये वर्ड तुम्हारे अलावा कोई कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि किसी के पास ये वन वर्ड है ही नहीं। किताब जितने भी किताबें तुम उठा लो, सेम टू सेम वही प्रीवियस ईयर रहते हैं। इस बार सीजीएल में सीपीओ में कुछ भी नया, मतलब कि सब कुछ नया आएगा, पहले बता रहा हूं। और मैं बता रहा हूं तुम्हें से ना, तुम्हें क्या यार, जितने भी फॉर्म भरे जाएंगे सीजीएल के, तो उसमें से ये समझ लो 99% बचा ना उस सारा प्रीवियस ईयर पढ़ के जाएगा। और इस बार तुम्हें पता है कि 100 में से ओनली 30 क्वेश्चन सही करने हैं, वो पास है। और ओबीसी वाले जिनका 25 क्वेश्चन सही है वो पास है, और SC ST वाले 20 अगर क्वेश्चन सही करके वो पास है। तो तुम्हें क्या लगता है, SSC वाले ये 30 नंबर आसानी से लाने देंगे? नहीं, 100 में से 30 नंबर लाना ना मुश्किल हो जाएगा, कुछ भी प्रीवियस ईयर से नहीं आएगा। हाँ, सिनोनिम एंटोनिम आ सकता है, वो करा रहा हूं। तो मैं तुम्हें इस क्लास में कुछ भी छोड़ने वाला नहीं हो, सारा प्रीवियस ईयर करा दूंगा और सारे के सारे नए वर्ड। तो बच्चे अगला देखो, रूट वर्ड क्या है। तो तुम लोगों ने कैटलॉग का नाम सुना, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, कैटलॉग कितना बढ़िया वन वर्ड है यार, ये कितना बढ़िया वन वर्ड है ये। तो कैटलॉग या कैटलॉग दोनों की स्पेलिंग ये सेम हो, ये भी आ सकता है एग्जाम में, ये भी दोनों सेम ही है। तो कैटलॉग का मतलब क्या होता है, अभी कैटलॉग सुना तुम लोगों ने कभी, कैटलॉग? हाँ भाई, तो कैटलॉग को क्या बोलते हैं, देखो ध्यान से। अब कैटा का मतलब क्या हो जाएगा, जो कंप्लीट लिया, जो डाउन या ब्रोकन, और वर्ड लॉग का मतलब वर्ड। तो तुमसे क्या पूछा जाएगा कि अ लिस्ट ऑफ आइटम्स, यानी अ लिस्ट ऑफ आइटम्स, कौन से आइटम्स हो सकते हैं भाई, चाहे वो नाम की लिस्ट हो सकती है, टाइटल्स की लिस्ट हो सकती है, आर्टिकल्स की लिस्ट हो सकती है, जो बिल्कुल ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रहती है, तो उसको बोलते हैं कैटलॉग, यानी कि तालिका, जो सूची पत्र होता है ना, डायरेक्टरी जिसको बोलते हैं। तो कैटलॉग का अगर सिनोनिम आ गया ना, तो इसका आंसर क्या करना, डायरेक्टरी। इसका ऑपोजिट या तो ये वन वर्ड में आएगा, या तो ये वन वर्ड में आएगा, या इसका सिनोनिम पूछा जाएगा। तो वन वर्ड तो ये हो गया और सिनोनिम ये हो गया। अगला वर्ड देखो क्या है, ये भी बड़ा मस्त है, ये बड़ा मस्त है। तो इसको ध्यान से देखो, क्या देखा है कि अ सब्सटेंस दैट मेक्स अ केमिकल रिएक्शन हैपन फास्टर विदाउट बीइंग चेंज्ड इटसेल्फ। तो तुम लोगों ने कभी सुना होगा, अभी चलो मैं नहीं बताऊंगा, केमिस्ट्री तो पढ़ते हो अभी। तो कुछ ऐसी चीज होती है जो रिएक्शन होती है ना, उसकी ना अभिक्रिया जो उसमें ना स्पीड बढ़ा देता है, चलो फटाफट बताओ, उसकी जो केमिकल रिएक्शन होते ना, उसकी मतलब की स्पीड को फास्ट बना देता है और खुद अनचेंज होते हुए। तो ये तो वैसे करे दो, साइंस वाले बच्चे इसका सही आंसर दे देंगे। शीतल ने बिल्कुल सही आंसर दिया, साइंस वाले बच्चे इसका बिल्कुल सही आंसर देंगे, और ये कई बार आ चुका वैसे सीजीएल में आया, ये जब भी आएगा या तो सीजीएल में आएगा या सीपीओ में आएगा। तो जो रूट वर्ड करा रहा हूं ना, ये स्पेशल सीजीएल और सीपीओ के लिए, बाकी अब सीएचएसएल पीसीएल वाले अभी आ जाएंगे। तो अ सब्सटेंस दैट मेक्स अ केमिकल रिएक्शन हैपन फास्टर विदाउट बीइंग अनचेंज्ड। तो बच्चे देखो, कैटलिस्ट का नाम सुनोगा, उत्प्रेरक का नाम सुनोगा, कैटलिस्ट तो जिसको हिंदी में उत्प्रेरक का नाम, तो ये तो सबने सुना होगा कहीं कहीं, है ना। तो ये बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट है ना। तो तुमसे पूछा जाएगा, अ सब्सटेंस दैट मेक्स अ केमिकल रिएक्शन हैपन फास्टर विदाउट बीइंग चेंज्ड इटसेल्फ, उसको बोलते हैं कैटलिस्ट। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद जरूर करके जाना है। तो टोटल 311 तो हो गए भाई, अभी हमें बहुत सारा करना है। तो ये तुम्हारे रूट वर्ड खत्म, ये तुम्हारे रूट वर्ड खत्म। तो पहले तो मैंने तुम्हें वोकैब बढ़िया से पढ़ा दिया है ना, जिसमें सिनोनिम करवा दिए हैं और एंटोनिम करवा दिए हैं, पिक्चर दिखा दिखा के, ट्रिक बता के। अब रूट वर्ड के थ्रू, रूट वर्ड के थ्रू मैंने वन वर्ड पढ़ा दिए तुम्हें। अब बच्चे चलते हैं किस पे, इडियम्स पे। अब इडियम्स करते हैं, और इडियम्स करवाने का नया तरीका है, कोई बच्चा नया है, जिन बच्चों की फर्स्ट क्लास है उनको बता देता हूं एक बार। मैं क्या सोच रहा हूं, हम क्या पढ़ते हैं, जैसे हमें क्या दिया होता है कि एडियम दिया होता है, हमें एग्जाम में क्या पूछते हैं कि एडियम दिया होता है, फिर उसके ना मीनिंग, फिर ऑप्शन में मीनिंग मिलते हैं, हमें तुम्हें 4 ऑप्शन देंगे, इनमें से इस एडियम का मीनिंग होता है यहाँ पे कोई एक। तो ऐसे पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। अब ऐसे पढ़ेंगे, और ये जो करा रहा हूं स्पेशल, पहले ना हेड कॉन्स्टेबल
या जो पीसीएल वाले बच्चे हैं या स्टेनो वाले बच्चे हैं, खासकर इनके लिए, फिर जो सीएचएसएल और एमटीएस है, ये जो अभी करवा रहा हूं, ठीक है ना, ये बहुत ही इजी लेवल के हैं, और सीजीएल और सीपीओ वालों को तो देखना ही देखना है, ठीक है ना, क्योंकि मैं पहले इजी लेवल के, फिर हाई लेवल के, फिर चलेंगे सीजीएल और सीपीओ लेवल के आगे। तो अब इसमें मैं उल्टा करवाऊंगा, ध्यान रखना। मैं क्या चाहता हूं कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा इडियम्स कैसे याद करें, तो उसका तरीका बताता हूं कम समय में कैसे करेंगे। तो बच्चे पहले क्या करूंगा, मैं तुम्हें मीनिंग दे रहा हूं, मैं तुम्हें पहले मीनिंग दे रहा हूं, इडियम नहीं दूंगा, मैं तुम्हें एक सेंटेंस दूंगा, अब इस मीनिंग है तो इस मीनिंग के लिए सही इडियम हमें फाइंड करना है। अब चारों ऑप्शन में तुम्हें इडियम मिलेंगे, तो मैं चाहता हूं कि एक क्वेश्चन में तुम्हें चार इडियम याद हो जाने चाहिए, एक क्वेश्चन करवाने से तुम्हें चार इडियम याद होने चाहिए। तो ये तरीका मेरा है नया, ये याद करवाने का, तो मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा उससे तुम्हें चार इडियम याद हो जाएंगे। अब इनमें से कोई एक ऐसा इडियम है जिसका मतलब है ये वाला, तो जैसे पहला एग्जांपल, तो अनोइज मी, तो अनोइज मी, तो बच्चे अनोइज मी, तो यहां पे चार इडियम तुम्हें दिख रहे होंगे, यहां पे चार इडियम दिख रहे हैं, कौन कौन से है, अ सोर पॉइंट, बड़ा कई सारे के सारे समझ लो प्रीवियस ईयर के ही है। तो हेड कांस्टेबल का जिनका पेपर है, यूपी पीसीएल का जिनका पेपर है, स्टेनो का जिनका पेपर है, तो इनसे बाहर नहीं आने की मैं गारंटी ले रहा हूं, जिस दिन ये सारी करा दूंगा ना। अच्छा, या तो अब तुम कहोगे सर टाइम तो बहुत कम बचा है, तो या तो मैं ऐसा कर लेता हूं कि इनमें से ये जो मैं करा रहा हूं ना, इनका टॉप 500, टॉप 500 ईडियम या ऐसे प्रैक्टिस करो, मैं तुम्हें एक पीडीएफ दे दूं क्या, अगर तुम कहो दो, तो अगर तुम कहो, अगर तुम खुद से कर लोगे एडवांस में, ये मैं तो करवाई रहा हूं। अब तुम कहोगे सर टाइम थोड़ा कम है, अगर तुम खुद से करना चाहो, इनकी हिंदी भी लिखी होगी सबकी, तो मैं इनकी पीडीएफ दे देता हूं तुम्हें, क्या कहते हो। तो बच्चे देखते हैं क्या करेंगे। तो अनोइज मी के लिए सही इडियम तुम्हें फाइंड करना है, चलो फटाफट बताओ। तो कोई इसका आंसर डी बता रहा है, कोई इसका आंसर डी बता रहा है। तो बच्चे पहले इनका मीनिंग देखो, यानी एक इडियम है सोर पॉइंट, एक है स्क्वायर डील, और एक है स्क्वायर पैग इन अ राउंड होल, और एक है गेट्स ऑन माय नर्व्स। तो इन चारों में से, ये चार इडियम है बच्चे, इनमें से किसका मतलब है अनोइज मी, है ना, तंग करना, मतलब ऐसे है ना, तंग करना, परेशान करना। तो पहले तो इनका मीनिंग देखो, पहले इन सबका मीनिंग देखो, अ सोर पॉइंट, तो अ सोर पॉइंट जब भी एग्जाम में आ जाए तो समझ लेना इसका मतलब होता है जो दुखदायक होता है, अनप्लीजेंट टाइप का, ना अनप्लीजेंट, परेशानी दायक, अनप्लीजेंट चीज होते हैं जो अनप्लीजेंट है ना, तो उसके लिए यूज करना है अनप्लीजेंट, है ना, दुखदायक या दर्दनाक, है ना, या परेशानी दायक। तो बच्चे एक हो गया स्क्वायर डील, स्क्वायर डील का मतलब क्या होता है, अच्छा सौदा, है ना, कि अच्छा बार्गेनिंग, अच्छी गुड बार्गेनिंग जो होती है उसके लिए यूज करते हैं। अच्छा, एक होता है स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल, नौकरी के लिए अयोग्य होना। अच्छा, कभी कभार क्या होता है कि जैसे पूछते हैं कि यार ये जॉब करने के लायक है कि नहीं है, तो बोलते नहीं यार ये जॉब के लायक नहीं है, ये नौकरी के लायक है नहीं, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, कोई भी ऐसा इंसान जो नौकरी के लिए योग्य नहीं है, तो उसके लिए यूज करते हैं स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल। तो बच्चे उसको बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, नौकरी के लिए अयोग्य होना। अच्छा, एक होता है गेट्स ऑन माई नर्व्स, मतलब तंग करना, परेशान करना, तंग करना या परेशान करना। तो अनोइज का मतलब, अनोय का मतलब क्या होता है, परेशान करना, तो अनोय का मतलब क्या होता है, परेशान करना। तो तुम ये बताओ सही इडियम कौन सा हो गया, तो भैया सही इडियम कौन सा हो गया, फोर्थ इसका डी आंसर है। तो मतलब डी वाले बच्चों का बिल्कुल सही है, डी वाले बच्चों का बिल्कुल सही है। चलो बच्चे फटाफट देखो, तो ये इसका सही आंसर हो गया डी। तो देखो, एक क्वेश्चन से चार इडियम करवा दिए हैं, तो ये है सही तरीका। एग्जाम में तुम्हें क्या पूछेंगे, तुम्हें एग्जाम में एक ही वन वर्ड पूछेंगे, इसका मीनिंग होगा, मैं तुम्हें उल्टा करा रहा हूं ताकि कम समय में ज्यादा एडीएम से याद हो जाए। अगला देखो, सीज अपॉर्चुनिटी, सीज अपॉर्चुनिटी के लिए सही एडीएम बताना है। अब मैं तुम्हें चार एडीएम यहां पे दिखा रहा हूं, पहला एडीएम यह है टेक टाइम बाय द फोरलॉक, एक का ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टॉर्म इन अ टी कप, है ना, स्टॉर्म इन टी कप, अ टर्न कॉट, या अ वेरी वार्म पर्सन। तो बच्चे चार एडीएम दे रखे मैंने, इन चारों एडियम्स में से किसका मतलब है सीज अपॉर्चुनिटी, पहले तुम इसका आंसर दो। ओयो हिंडर रेजिस्टेंस से 307 से पहले वाले वन वर्ड कैसे मिलेंगे, तो मैं देखता हूं अपलोड करवा देंगे तुम्हारे लिए ना, वो मैं देखता हूं तुम्हारे लिए, कुछ करूंगा तुम्हारे लिए, पहले फटाफट इनका आंसर दो, जल्दी करो, अभी वॉइस नरेशन पैरा जंबल क्लोज टेस्ट भी करवाने। तो बच्चे पहले इसका मीनिंग देखो सबके, टेक टाइम बाय द फॉलो का मतलब होता है मौके पर चौका मारना, कभी नाम सुना होगा तुम लोगों ने, अभी मौके पे चौका मारना कभी सुना है, मतलब कि मौके पे चौका मारने का मतलब कि जो भी अपॉर्चुनिटी मिली है ना उसको ले लो, यानी कि जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको सीज कर लो, उसको ले लो भाई, मतलब मौके पे चौका मार लो यार, है ना। अब जैसे ये सारी कितना बढ़िया करा रहा हूं तुम्हें, अबे ये जितने भी idioms करा रहा हूं, जितने भी vocab करा रहा हूं, वॉइस नरेशन, भैया मौके पे चौका मार लो, डेली 10 बजे आके
देख लिया करो। अच्छा अगला क्या है कि आ स्टॉर्म इन टी कप, इसका मतलब क्या था, बात का पतंगड़ बना देना, कि कोई भी बात है उसको मतलब कि बात का पतंगड़ बना देना, कि मतलब कि बात छोटी सी उससे बड़ा चढ़ा के बोल देना। अटन कॉट गद्दार, जो जो गद्दार होता है उसको बोलते हैं अटन कॉट, है ना। अटन कॉट का मतलब गद्दार, गद्दार। और अ वेरी वार्म पर्सन का बहुत ही मिलनसार व्यक्ति, मतलब कि जो बहुत ही प्यारा है, जो फ्रेंडली बिहेवियर करता है, फ्रेंडली रहता है सबके साथ। तो बच्चे हमें इसका सही इडियम बताना है, सीज अपॉर्चुनिटी के लिए सही इडियम कौन सा हो जाएगा, ए। तो इसका ए आंसर है। तो जिन बच्चों ने इसका आंसर ए दिया बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया बच्चे, शाबाश। अगला देखो, तो टोटल 8 इडियम हो चुके हैं दो क्वेश्चन करवाने से। अगला देखो, समथिंग दैट गिव्स इनकरेजमेंट, मतलब कि कोई भी ऐसी चीज जिससे तुम्हें क्या मिलता है भाई, है ना, इनकरेजमेंट मिलता है, मतलब कि साहस मिलता है, जोश मिलता है। तो कोई भी ऐसी चीज जिससे तुम्हें जोश मिलता है उसके लिए क्या यूज करोगे। अभी चार इडियम देखे, बड़े इंपॉर्टेंट भाई, चारों के चारों ही बड़े इंपॉर्टेंट है, पहले बता रहा हूं, चारों इंपॉर्टेंट इडियम है, तो ये कर जाना बच्चे, पहले बता रहा हूं, इनसे बाहर नहीं आने का है ना। चलो फटाफट करो, जल्दी करो, फिर अभी ना आज वॉइस नरेशन में एक भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। अभी लाइक वाइक तो कर रहे हो ना, लाइक वाइक करते रहना भाई। तो चलो अब, समथिंग दैट गिव्स इनकरेजमेंट, अ वाइल्ड गोज इज, कितना इंपॉर्टेंट है, टू पुट टू राइट्स या अ शॉट इन द आर्म अबव बोर्ड। पहले इनका मीनिंग देखो, वाइल्ड गोज इज का मतलब क्या था, वर्थ कोशिश करना ना, फ्यूटाइल सर्च, है ना, ये आता है, फ्यूटाइल का मतलब बेकार का, फ्यूटाइल सर्च, तो ये इस बार भी एग्जाम में आया था। चलो तो अच्छा देखो, टू पुट टू राइट्स का मतलब क्या होता है, काम लाइक बनाना, यानी कि कोई भी ऐसी चीज जो काम के लाइक बनाना, है ना। टू पुट टू राइट्स का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज है, जैसे अगर मान लो कि चेयर है, ये बैठने के लाइक नहीं है, टूटी हुई है, अब मैंने इसमें ना इसको वेल्डिंग करके या इसकी चीजों को साट गाट करके, इस पर रस्सी बांध के, टेप लगा के, इसको मैंने काम की बना दी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं टू पुट टू राइट्स, मतलब कि किसी को काम के लाइक बनाना, ठीक है ना। अब जैसे भाई तुम इससे बहुत सारे बच्चे हैं जो कहते हैं सर हम तो सीजीएल के लाइक ही नहीं है, हमारी तो ओके भी अच्छी नहीं है, हमारी तो इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो मैं उनको पढ़ा लिखा के क्या कर रहा हूं, उनको काम के लाइक बना रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, टू पुट टू राइट्स। अगला देखो, एज शॉर्ट इन द आर्म का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसा जो तुम्हें प्रोत्साहित करे, है ना, एज शॉर्ट इन द आर्म, लेकिन कोई भी ऐसी चीज जो तुम्हें इनकरेजमेंट करे, है ना। अबव बोर्ड का मतलब क्या होता है, ईमानदार, ऑनेस्ट, है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑनेस्ट। तो ये बच्चे जो हेड कांस्टेबल वाले और स्टेनो वाले हैं, तो ये तो ये समझ लो, है ना, पीसीएल वाले बच्चे खासकर, इनसे बाहर नहीं पूछेंगे। तो अबव बोर्ड का मतलब क्या होता है, ईमानदार। तो इसका हमें सही बताना कौन सा, थर्ड सी इसका आंसर हो जाएगा, सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो सी वाले बच्चों का बिल्कुल सही आंसर है, और जिनका भाई सही होता जाए वो लाइक वाइक करते रहा करो भाई, है ना। अगला देखो नेक्स्ट, बेसिक कॉमन सेंस। तो बेसिक कॉमन सेंस टोटल कितने हो गए, 16 टोटल कितने हो गए, अभी टोटल तुम्हारे कितने हो गए, 16 वन वर्ड इडियम्स हो चुके हैं। अगला देखो, बेसिक कॉमन सेंस 16 हो गए, कितने हो गए, जितने भी हो, चलो देखो। तो बेसिक कॉमन सेंस के लिए सही इडियम बताना तुम्हें, है ना, हॉर्स सेंस या अक्रॉस द बोर्ड, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एडम्स एल, सुना, या एडम, ये दो है, ये बच्चे बड़े इंपॉर्टेंट है, ये दो याद करके जाना, पीसीएल वाले और हेड कांस्टेबल वाले बच्चे, इनको अच्छे से याद करके जाना है। और जो सीजीएल सीपीओ वाले हैं, स्टेनो वाले हैं, या सीएचएसएल एमटीएस वाले, तो हैं, और पहले बता रहा हूं बच्चे, एमटीएस और सीएचएसएल वाले बच्चों के लिए अभी बहुत ही एक अच्छी खबर आने वाली है, दोनों की कम से कम अभी नई वैकेंसी आने वाली है, अब इनके लिए वैकेंसी आने वाली है, और मुझे लगता है कम से कम 30,000 से 40,000 वैकेंसी आएंगी दोनों के लिए। जैसे सीजीएल के लिए 20,000 आई है, तो बढ़िया से लग जाओ भैया, बढ़िया मौका है, लग जाओ, करते नहीं पता तुम। तो पहले इनका मीनिंग देखो, हॉर्स सेंस का मतलब क्या होता है, जो सामान्य ज्ञान होता है, सामान्य बुद्धि, जो बेसिक कॉमन सेंस होता है, मतलब इसका आंसर तो ए हो गया, इसका आंसर तो ए हो गया। अब पहले इसका आगे देखो, अक्रॉस द बोर्ड का मीनिंग होता है ऑल, है ना, ऑल का मतलब सभी, है ना, तो ऑल के लिए यूज करता है अक्रॉस द बोर्ड, बड़ा अच्छा है ना। एडम्स एल, तो बच्चे जो पानी होता है ना, पानी, वॉटर को बोलते हैं एडम्स एल, तो ये इडियम्स मतलब कितने बढ़िया है, तो ये हेड कॉन्स्टेबल पीसीएल वाले तो काफी इनसे बाहर नहीं आने का है। एड अप का मतलब क्या है, एड अप मतलब चीजों का अर्थ निकालना, है ना, मीनिंग निकालना, है ना, एड अप करो भाई, है ना, इस वर्ड, है ना, इस चीज का अर्थ निकालो, एड अप करो। तो एडम्स एल का मतलब वाटर, और अक्रॉस द बोर्ड का मतलब सभी। तो इसका सही आंसर कौन सा है, तो देखो एक क्वेश्चन करवाने से चार इडियम क्लियर हो गए। अगला देखो, तो टोटल 16 चार सेंटेंस, चार क्वेश्चन करवाए हैं, चार से तुम्हें 16 इडियम याद करवा दिए हैं, और इनको लिख लेना बच्चे, पहले बता रहा हूं, एक अलग से रजिस्टर बना लो, अगर तुमने भाई तुम कहना नहीं मानते, एक तो अब सबसे बड़ी दिक्कत है, अब मैं चेक कैसे करूं कि तुम ये नोट करते हो नहीं करते हो। अभी तक देखो ये तीसरी क्लास है ईडीएम्स के लिए, है ना, तो अब तक 40 तो मैं करवा चुका था, आज टोटल 60 ईडीएम हो जाएंगे तीसरी क्लास में,
तो डेली 20 idioms करा रहा हूं, इनके लिए एक अलग से रजिस्ट्री ले लो, इनको लिख लो, इनको लिख लो बच्चे, इनसे बाहर नहीं आएगा। अगला देखो, गुड इनकम, ये बड़ा मजेदार है। तो गुड इनकम जॉब विद हाई कंफर्ट, मतलब कि कोई भी ऐसी नौकरी, भाई अगर मान लो तुम इंस्पेक्टर बन जाओगे, हाँ तो इंस्पेक्टर बन जाओ तो आराम से, क्या भाई इनकम कितनी बढ़िया और मौज ही मौज है। तो कोई भी ऐसी जॉब, अबे कोई भी ऐसी जॉब जहां पे गुड इनकम वाली जॉब है और विद हाई कंफर्ट, मतलब कि आराम ही आराम है भाई, आराम से बढ़िया पैसे भी मिल रहे हैं और आराम भी है, तो उसको क्या बोलते हैं। तो पहले देखो चार idioms दे रखे हैं, एन आई वॉस, आई वॉस का नाम समझ गए होंगे, एन ओपन बुक मतलब जिसका कोई रहस्य नहीं, कोई सीक्रेट नहीं है, आंसर फॉर का मतलब जॉब दे, और एन आर्म चेयर जॉब, एन आर्म चेयर जॉब का मतलब आज जैसे अगर मान लो कि भाई नहा धो के ऑफिस में गए और जाके ऐसे करके बैठ गए ना, हाँ भाई आ जाओ भाई नेक्स्ट आओ, अभी अगला आओ, अपनी फाइल लेके आओ, हाँ भाई तूने तेरा क्या काम है, हाँ भाई तेरा क्या जाओ चाय ले क्या, तो उसको बोलते हैं एन आर्म चेयर जॉब, मतलब कि बढ़िया। अब ये कौन काम कर सकता, बहुत सी कर सकता है, तो आराम से बढ़िया पैसा है और आराम ही आराम। तो पहले इन सब का भी नहीं देख लो, एन आई वॉस का मतलब क्या होता है, धोखा देना या ना दिखावा करना, की ना दिखावा करना है ना, शो ऑफ करना है। अच्छा एन ओपन बुक, ये आ सकता कुछ भी ना छिपाना ना, हैविंग नो सीक्रेट है ना। अच्छा आंसर फोर का मतलब क्या होता है, जिम्मेदारी लेना, यानी कि किसी गलत, कोई भी अगर मान लो कि अगर मान लो तुम्हें से अगर मान लो कि पूर्णिमा है, अब पूर्णिमा ने अगर मान लो आदर्श का सर फोड़ दिया, अभी पूर्णिमा ने क्या किया, आदर्श का सर फोड़ दिया। अब भैया पूर्णिमा ने कहा कि सर अब तो मैं जेल चली जाऊंगी, है मैं तो मेरे ना नौकरी नहीं लगेगी, तो मैंने कहा कि हाँ भाई पूर्णिमा ने नहीं, है ना ये मेरी जिम्मेदारी है ना, उसको उसको क्या बोलते हैं आंसर फॉर, यानी कोई भी गलत काम करते हैं उसकी जिम्मेदारी खुद ले लेना, उसको बोलते हैं आंसर फॉर। अच्छा एन आर्म चेयर जॉब का मतलब होता है अच्छी और आसान आय वाली नौकरी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, तो डी वाले बच्चों का बिल्कुल सही है। तो ये भैया तुम्हारे हो गए idioms, अब चलते हैं, अभी तो और हैं, अभी आज तो 24 हो गए, आज तो तुम्हारे ये सुन लो बढ़िया है, आज टोटल 24 idioms हो जाएंगे। तो इन गुड कंडीशन, इन गुड कंडीशन, इन गुड कंडीशन, इन, अच्छा अब देखो इन गुड कंडीशन मतलब अच्छी हालात में, तो बच्चे यहाँ पे चार idioms है, यहाँ पे चार idioms है, इनमें से किसका मतलब है अच्छी कंडीशन में, अच्छे हालात में। तो एप्पल पाई ऑर्डर है ना, एंटी मेरिडियन या एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, इसको बोलते हैं बोन ऑफ कॉन्टेंशन भी बोल देते हैं, ये सुना होगा तुमने झगड़े झड़ है ना, बोर्ड ऑफ कॉन्टेंशन सुना होगा तुम लोगों ने ऐसा। तो गुड एज गुड एज वंस वर्ड, तो पहले इनका देखो, वैसे तो कर दोगे इसका आंसर लगभग सभी सही बताएंगे, तो फटाफट बताओ इसका आंसर और लाइक वाइक करते रहो भाई बढ़िया से। अब देखो इसका मतलब, देखो एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब क्या होता है, अच्छी हालात में, ठीक हालात में। अच्छा एंटी मेरिडियन का, मेरिडियन का मतलब क्या होता है ना, अर्ध रात्रि से दोपहर के बीच का समय है ना, आधी, ये बड़ा देखो कितना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा कोई भी टाइम पीरियड जो आज मिडनाइट से लेकर आफ्टरनून तक का, मिडनाइट से आफ्टरनून तक का जो टाइम होता ना, उसको क्या बोलते हैं बच्चे, एंटी मेरिडियन है ना, एंटी मेरिडियन। अच्छा एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है ना, मेट ऑफ डिस्प्यूट है ना, तो भाई डिस्प्यूट झगड़े की जड़ है ना, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड या बोन ऑफ कॉन्टेंशन इनका मतलब होता है झगड़े की जड़, मेट ऑफ डिस्प्यूट। एज गुड एज वंस वर्ड का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो तुमने प्रॉमिस, अब जैसे तुम लोगों ने क्या किया, मुझसे प्रॉमिस किया था, तुम लोगों ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि सर हम इस बार जॉब लेंगे, और तुम कर भी रहे हो, सारे बच्चे मेहनत कर रहे हो, सारे बच्चे बढ़िया से मेहनत कर रहे हो तत्परता से वादा पूरा करना। तो एज गुड एज वंस वर्ड का मतलब कि जितना जल्दी हो जाए अपना प्रॉमिस पूरा करना है, तो हमें इसका सही आंसर कौन सा करना है, ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो गया। चलो तो ये हो गया भाई तुम्हारा, अब देखो मैं फिर से बता देता हूं, पहले तो हमने क्या करे वोकैब विद ट्रिक, पहले तो मैं तुम्हें वोकैब सिखाया ट्रिक के साथ, फिर मैंने तुम्हें रूट वर्ड वन वर्ड सिखाए रूट वर्ड के द्वारा, फिर मैंने तुम्हें क्या करवाए अब idioms भी करवा दिए, टोटल idioms करवा दिए 24 और टोटल हो चुके हैं 3 दिन से करवा रहा हूं। जिन बच्चों ने नहीं देखे तो लास्ट की 3 क्लास और देख लेना है, इनको नोट जरूर कर लेना बच्चे, इनको नोट जरूर करना है। अब इसके बाद अब चलते हैं वॉइस और नरेशन, तो 2 क्वेश्चन वॉइस का होंगे 2 क्वेश्चन नरेशन का, तैयार हो और फिर आगे आगे अगर टाइम बचता है तो फिर आगे और ये भी करवा देंगे, टाइम की बड़ी कंडीशन है ना, पी क्यू आर एस और क्लोज टेस्ट भी करवा देंगे अगर टाइम बचता है, वैसे आज मेरी तबीयत खराब थी है ना, क्लोज टेस्ट। तो अब शुरू करें वॉइस और नरेशन, तो मैं कहता हूं बच्चे इसमें एक का भी गलत नहीं होना चाहिए, जिस हिसाब से मैंने तुम्हें पढ़ा दिया है, जिस हिसाब से मैंने तुम्हें पढ़ाया है, एक का भी गलत नहीं होना चाहिए। तो क्या तैयार हो वॉइस नरेशन की, अभी इसकी तो मैंने तुम्हें कल परसों आग लगाने वाली ट्रिक भी बताई थी, मैंने वॉइस नरेशन की आग लगाने वाली ट्रिक मैं बता चुका हूं। तो ये रहा पहला, अब सबसे बड़ी बात ये है, ये सारा का सारा प्रीवियस ईयर का ही है,
सबसे बड़ी बात यह है, इस सारा का सारा प्रीवियस ईयर के ही है। करो इनको। अब ये क्या देखा, ही आस्क्ड मी इफ आई वुड लाइक टू हैव लंच विद हिम टुडे। तो ये क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच दे रखा है। तो जब तुम्हें इनडायरेक्ट स्पीच दे रखा ना, तो बच्चे उसका डायरेक्ट बनाना होता है। तो कैसे करेंगे, अच्छा दैट डे, पहले तो देखो दैट डे किसका होता है, टुडे का होता है। तो टुडे इसमें भी है, टुडे इसमें भी है, टुडे इसमें भी है, टुडे तो सुसरा सब में है। अच्छा एक बात बताओ, इफ लगा है और आस्क्ड लगा है, तो आस्क्ड का तो क्या कर देंगे, सेंड टू, है ना, सेंड टू। इफ की जगह कॉमा, इनवर्टेड कॉमा आ जाएगा। अच्छा इफ लगा तो सेंटेंस इंटरोगेटिव है, तो इंटरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, तो वुड है तो वुड का विल ही तो होना चाहिए, है ना। और आई आया है तो मे के अकॉर्डिंग विल यू, है ना, तो इसका क्या होगा, विल यू। तो यहाँ पे जो आई आया है तो आई किसके अकॉर्डिंग था, मे के अकॉर्डिंग, और ऑब्जेक्ट के, अभी आरवी के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कौन चेंज होता है, यू होता है, सेकंड पर्सन। तो इसमें देखो डू दे रखा, डू तो गलत हो जाएगा, डू तो हो नहीं सकता। इसमें कैन दे रखा, ये भी गलत हो जाएगा। अब इसमें देखो क्या है, इसमें लास्ट में क्या, इसको देखो ध्यान से पहले, ये क्यों गलत है, अभी वुड भी तो हो सकता है, फटाफट बताओ। अब सेकंड में इसमें देखो क्या है, तो यू कैन इफ यू, ये तो यू कैन इफ यू तो पूरा गलत है। तो भाई हमें पता है कि तुम्हें ये मैंने बताया होगा कि जब भी अगर सैड दे रखा है, सैड दे रखा है तो विल का तो वुड होता ही है, विल और सैड का तो वुड होता ही है, और वुड का भी वुड ही होता है, वुड को तो चेंज करेंगे नहीं, वुड का भी वुड होता है। अब हमें ऑलरेडी अगर वुड दे रखा है तो वुड का या तो विल करेंगे या वुड का वुड रहेगा, यही तो मैंने बताया है, या तो विल रहेगा या वुड का वुड रहेगा। तो देख लो इसमें से देखना था हमें, तो यहाँ पे कैन तो हो नहीं सकता, डू नहीं हो सकता, यहाँ कैन दे रखा तो एक ही ऑप्शन बचेगा, तो सी वाले बच्चों का बिल्कुल सही आंसर है, सी वाले बच्चों का बिल्कुल सही आंसर है। वाह मेरे शेरो, अरे वाह मेरे शेरो, कर लोगे, चलो बच्चे बहुत बढ़िया। अगला देखो नेक्स्ट, तो ये भी गलत नहीं होना चाहिए, तो आराम से कर दोगे इसको, लगता मुझे पढ़ाना पड़ेगा, ये मुझे पढ़ाना पड़ेगा, फटाफट बताओ इसका आंसर। तो आई सेड गुड बाय किसको, माय बिलोड फ्रेंड्स को, मैंने अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको क्या बोला, गुड बाय। तो करो ये अच्छा, वैसे मजेदार है, ये गलत नहीं होगा। अच्छा सी, ये जो अभी कल परसों मैंने पढ़ाया है, पीसीएल वाले बच्चों को और एसएससी है ना, मसाल वाले बच्चों को, मसाल बैच वाले को तो कल परसों मैंने पढ़ाए है। तो पहले बता दोगे इसका आंसर, चलो पहले तुम आंसर दोगे, और लाइक वाइक तो करे हो ना भाई, चलो पढ़े रहने दो, लाइक पढ़े रहने दो, पहले यहां ध्यान दो, पता चले लाइक करने जाओ। तो आई सेड गुड बाय, गुड बाय, गुड बाय। तो चलो इसका मैं पहले कॉन्सेप्ट बताता हूँ, सुनो ध्यान से बच्चे, दो कॉन्सेप्ट होता है, दोनों ही बता देता हूँ। जब भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब के बाद अगर हमें ऑब्जेक्ट दे रखा है, और अगर कोई वेलकम वर्ड दे रखा है, हमें क्या दे रखा हो, कोई वेलकम वर्ड दे रखा हो। वेलकम वर्ड कौन से होते हैं भाई, वेलकम वर्ड होते हैं जब हम किसी से मिलते हैं, जय श्री राम, उठा लो पड़ोसियों को, पाकिस्तानियों को। तो देखो वेलकम वर्ड कौन से होते हैं भाई, वेलकम वर्ड कौन से होते हैं, जैसे हम किसी से मिलते हैं तो हाय बोलते हैं कि नहीं बोलते, हाय, हेलो, नमस्ते, है ना, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, तो ऐसे वर्ड बोलते हैं कि नहीं बोलते। तो जब भी अगर हमें किसी को गुड मॉर्निंग बोलना हो, या गुड आफ्टरनून बोलना हो, या गुड इवनिंग बोलना हो, तो ये सब क्या होते हैं, वेलकम वर्ड। तो इनका हमें डाइट से डाइट कैसे करेंगे, अभी तो इनका डाइट से डाइट कैसे करेंगे, पहले तो सब्जेक्ट होगा, फिर ये जो वर्ब है ना आरवी, इस आरवी को चेंज करते हैं विस्ट में, विस्ट के अकॉर्डिंग विस्ट हो जाएगा। अब ये तो प्रेजेंट का पास्ट जो भी हो जाएगा कर दोगे। अच्छा बीच में कुछ नहीं लगाना है तुम्हें, वेलकम वर्ड का वेलकम वर्ड आएगा, जैसे सी सेड टू मी गुड मॉर्निंग, उसने मुझसे कहा गुड मॉर्निंग, तो इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओ। अब इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओ तो कैसे करेंगे, तो सी विस्ट मी गुड मॉर्निंग, बीच में कुछ नहीं लगाना है, सी विस्ट मी गुड मॉर्निंग, चलो तो ये बन गया बस। तो इसी तरह करना, तो जब भी हाय, हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ये वर्ड आते हैं, तो बस हमें विस्ट लगाना है, और आगे यू का यू, बीच में टू दैट कुछ नहीं लगेगा। एक कॉन्सेप्ट और है, अगर ये गुड मॉर्निंग ना हो, गुड नाइट अगर आ गया तो कैसे करेंगे, तो एक होता फेयरवेल वर्ड। फेयरवेल वर्ड का मतलब जब हम किसी से अलग होते हैं, बिछड़ते हैं, अभी मिल लिए, बात कर ली, उसके बाद अगर हम बिछड़ते हैं, चाहे फोन पे बिछड़ रहे हो, चाहे वैसे बिछड़ रहे हो, तो फेयरवेल वर्ड होते कौन से, जैसे हम बोलते हैं कि बाय बाय, बाय बोलते हैं, बाय बाय, गुड बाय, है ना, बाय, गुड बाय, सी यू, है ना, टाटा, टाटा, गुड नाइट, तो ये सब कौन से होंगे, फेयरवेल वर्ड होते हैं, है ना, फेयरवेल वर्ड होते हैं। तो इनको कैसे करेंगे, तो जब अगर इनका हमें क्या करना है, डाइट से इन डाइट बनाना है, तो पहले जो आरवी है ना, इसको बेड बना देंगे, इसको क्या लिखेंगे, बेड,
और ऑब्जेक्ट लगा के बीच में टू दैट कुछ नहीं लगाना है, ये फेयरवेल वर्ड यू का यू आ जाएगा, बस बन गया बन गया। अब जैसे एक एग्जांपल देखो, सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा था गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स, गुड नाइट, तो कैसे करेंगे इसका आंसर? तो देखो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, तो सी आस्क्ड, सी बेड मी, क्या करेंगे, सी बेड मी गुड नाइट, ये हो गया बच्चा ना, गुड बाय गुड नाइट। तो ये जब भी गुड नाइट गुड बाय है तो हमें क्या लगाना होता है, बेड लगाना होता है। तो ये हो गया, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट मैंने बता दिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गुड मॉर्निंग वाला और गुड नाइट वाला, ठीक है ना। चलो अब इसका आंसर देना है, अब इसका सही आंसर दो। चलो बच्चे बहुत बढ़िया शाबाश, तो बढ़िया से अच्छे से मैंने बता दिया है, डेली क्लास ले लिया करो, ठीक ना, जिन बच्चों की फर्स्ट क्लास है, जिन बच्चों की फर्स्ट क्लास है तो डेली पढ़ा करो बच्चे, मजा आएगा। मजे तो मजे थोड़ी लेना, मैं नौकरी लेनी है, मजे तो लेना भी नहीं है, मजे के लिए क्लास में आना भी नहीं है। तो आई सेड किसको मैंने कहा, आई सेड टू माई बिलोड फ्रेंड्स क्या, गुड बाय। तो मतलब कि हमें क्या दे रखा, बेड दे रखा, बिल्कुल ये तो वैसे गलत हो गया, सैड हो नहीं सकता, विस्ट भी नहीं हो सकता। तो तीन ऑप्शन कट गए, एक ही आंसर बचा, आंसर खत्म, एक ही आंसर बचा है। तो एक ने डी बताया खुशबू लाली, बेटा बेटा गुड बाय है, गुड बाय के लिए विश नहीं करते, गुड, अच्छा देखो विश कब करते हैं, जब हम किसी से मिलते खुश नहीं होते, अरे अरे हेलो बच्चो, अरे हेलो बच्चो, गुड इवनिंग, कैसे हो। और जैसे जैसे अगर भाई बिछड़ना, अब जैसे तुम अलग हो जाओगे है ना, जैसे क्लास बंद होगी तो तुम अलग हो जाओगे, तो थोड़ा सा दुखी होगी, बोलोगे सर गुड नाइट है ना, अब कल मिलेंगे। और जैसे देखो हम किसी से मिलते ना, थोड़ा आंखों में चमक रहती है, अरे अरे आगे क्या, अरे वाह भी वाह, अरे मेरे प्यारे बच्चे हो बहुत बड़े, अब देखो मैं लास्ट में क्या, गुड नाइट, चलो भाई ठीक है अब कल मिलेंगे, है ना। तो इसलिए ना विश नहीं कर सकते है ना, जब बिछड़ते ना तो बेड वर्ड यूज करते हैं, थोड़ा मुंह भरा के बोलो यार, लगना तो चाहिए कि बिछड़ने का थोड़ा सा गम है, दुख है बिछड़ने का। चलो तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अब करते हैं दो वॉइस, अब वॉइस करेंगे, अब दो क्वेश्चन है वॉइस के, ये तो गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी, वॉइस तो गलत होना ही नहीं चाहिए, वॉइस तो किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे प्यारे लाल लालियो, अरे सेठ सेठियो जल्दी करो। तो आई कांट ट्रस्ट हिम इन, अच्छा पढ़ना तो है नहीं यार, मैं भी पढ़ रहा हूं, मैंने तुम्हें कसम दी थी ना, मैंने तुम्हें कसम दे रखी है कि जब भी अगर वॉइस करो बच्चे पढ़ना नहीं है, सिर्फ वर्ब देखनी है, सेंटेंस में क्या बवाल दे रखा पढ़ना नहीं है, सिर्फ ओनली वर्ब देखनी है। तो क्या करेंगे भाई, हमें कांट क्या मॉडल्स है, क्या कहा था मैंने कि जब भी अगर मॉडल्स दे रखा तो इसके आगे बी लगा दो और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, काम खत्म, बस कांट भी ट्रस्टेड हो जाएगा। देखो चार ऑप्शन है, पहले में है क्या, नहीं है, गलत हो गया, दूसरे में मे का क्या काम, तीसरे में फोर्थ में कुड का क्या काम, जब तुम्हें लगे कि तीन ऑप्शन कट गए, अगला पढ़ना नहीं है, अगला देखते ही आंसर लगाओ, काट दो बुरी तरह से, अगला जो बचेगा वो आंसर होगा, काट दो बुरी तरह से, देख लेंगे जो होगा, तुम्हारा कोई गलत नहीं कर सकता, और भाई तुम्हारा गलत नहीं कर सकता मतलब कोई कर ही नहीं सकता, तो इसका सी आंसर हो गया। अगला देखो, टेक द मेडिसिन, तो भैया ये समझो क्या है, फटाफट बताओ, करो फटाफट। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है ना, इंपेरेटिव, जब भी अगर वी वन से सेंटेंस स्टार्ट हो है ना, वैसे तो ये क्या है, अगर देखा जाए टेक द मेडिसिन, ये ऑर्डर हो गया, या तो ये एडवाइस हो सकता है या ऑर्डर हो सकता है। तो इसके दो तरीके सही करने के, पहला तरीका क्या है, या तो इसको लेट से स्टार्ट करो, लेट द मेडिसिन, अगर ये ऑर्डर है, जैसे मम्मी नहीं कहती कि दवाई ले ले रे, सो जाओ दवाई लेके, तो लेट द मेडिसिन, लेट द मेडिसिन बी टेकन, एक तो ये हो गया, दूसरा है कि द मेडिसिन शुड बी टेकन, द मेडिसिन शुड बी टेकन, ये भी तरीका इसको बनाने का, शुड बी टेकन, अगर मान लो हमें कोई सलाह दे रहे, अगर मान लो हमें कोई सलाह दे रहा है कि चलो भाई तुम्हें दवाई लेना चाहिए है ना, बीमार हो तुम्हें दवाई लेनी चाहिए, तो ये तो क्या हो जाएगा, द मेडिसिन शुड बी टेकन। अगर मान लो कि जैसे हमारे घर वाले नहीं कहते दवाई ले ले, तेरा हो रहा नाटक, बहुत देख रहा हूं तुझे, है पापा नहीं बोलते, मम्मी बोलते तुझे देख रही हूं मैं, कई देर हो गई दवाई नहीं ले रहा तू है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा, तो लेट द मेडिसिन बी टेकन। तो जो तुम्हें ऑप्शन में मिले, अगर दोनों ऑप्शन मिल जाए तो ये ऑर्डर वाला ही ज्यादा सही होता है। तो देखते हैं, मस्ट तो नहीं आएगा, इज तो भी नहीं आएगा, और रिक्वेस्ट तो ये है नहीं, तो इसका मतलब कौन सा हो जाएगा, ए इसका सही आंसर हो गया, ए वाले बच्चों का बिल्कुल सही है। तो ये भैया तुम्हारा हो गया, दो वॉइस हो गए, दो नरेशन हो गए। तो बच्चे एक ही क्लास में, एक घंटे में तुम्हें देखो क्या क्या मिल चुका है, तुम डेली, अब अच्छा ये मैं क्यों करा रहा हूं तुम्हें, अच्छा भाई मैं तुम्हें कहता हूँ डेली, अब मैंने वैसे तुमसे कहा था कि डेली वॉइस की प्रैक्टिस करा करो, डेली नरेशन करा करो, डेली पैरा जंबल करा करो, पर तुम करते नहीं, इसलिए मैं डेली तुम्हें करवा देता हूं, अब मेरा कुछ बिगड़ता नहीं है, तुम्हारा फायदा हो जाएगा, भाई मैं डेली दो वॉइस दो नरेशन करा देता हूं तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ना है,
तुम्हारा थोड़ा भला हो जाएगा। अब करते हैं पैरा जनरल सेंटेंस, तो इसमें बड़ी दिक्कत होती है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर इसमें बड़ी दिक्कत होती है, तो थोड़ा सा ना सीजीएल लेवल के ले रहा हूं मैं ना, थोड़ा सीजीएल या सीपीओ लेवल के ही करवा रहा हूं, ध्यान से देखना। थोड़े से इजी लेवल के तो मैं करा चुका हूं, तो मुझे नहीं लगता जिन बच्चों को अगर ये आना, जो बच्चे एग्जाम देने जाएंगे अभी हेड कांस्टेबल में अगर आता है ना, पीसीएल में अगर आता है, स्टेनो में तो आएगा ही आएगा, उन बच्चों का गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि कितने दिनों से लगातार ये पैरा जंबल करवा रहा हूं। अब भी अगर गलत होगा तो बच्चा हो गई, क्योंकि देखो क्या करता है भाई, मार्केट में हजारों टीचर है, वो क्या करते हैं एक दिन पढ़ा दिया वन वर्ड, एक दिन पढ़ा दिया पैरा जंबल, बस खत्म। मैं तुम्हें डेली पैरा जंबल करा रहा हूं ताकि तुम्हारी आदत ना छूटे, ताकि तुम्हारी आदत खराब ना हो, इसलिए मैं डेली वॉइस करा रहा हूं, डेली नरेशन करा देता हूं, डेली रूट वर्ड, डेली इडियम्स, डेली सिनोनिम एंटोनिम, डेली पैरा जंबल सेंटेंस, और हर संडे सैटरडे ग्रामर करवा देता हूं। तो ग्रामर कल 10 बजे से 1 बजे तक 3 घंटे की मैराथन है, तो सारे बच्चे जुड़ना ना भूले, कल आना है। कल एडजेक्टिव सारा खत्म, ये समझ लो कल के बाद दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जैसे नाउन की पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलो तो जिन बच्चों को भाई अगर नाउन पढ़ना ना, तो 25 सितंबर की क्लास देख लेना और 26 सितंबर की क्लास देख लेना, मेरी मैराथन की क्लास है ना, 27 क्लास 27 28 29 और 30, ये 6 दिन मैंने लगातार करवाया है, तो ये क्लास देख लेना, सारा नाउन खत्म, पूरा थ्योरी करवा रखा है, दोबारा जिंदगी में नाउन तो नहीं पढ़ना पड़ेगा तुम्हें, और कल एडियम्स खत्म। चलो भाई शुरू करते हैं, ये रहा तुम्हारे सामने। कुछ बच्चे बोलेंगे बोलता बहुत है यार क्लास में, है बोलते नहीं कि कुछ है ना, आजकल क्या हो गया देखो, ऑफलाइन, पहले तो ऑफलाइन चलता था तो टीचर की थोड़ी इज्जत होती थी, आजकल भाई हर कोई तो टीचर बना हुआ है ना, तो कहते हैं यार ये बोलता बहुत है। बहुत सारे बच्चे होते हैं उनको आदत खराब ना, कभी ना इस क्लास में तो बैठे नहीं, गुरुजी के कभी पैर तो छुए नहीं, और ऑनलाइन ही पढ़ते हैं, और किसी को कुछ भी बोल देते क्या, कौन क्या कर लेगा, तो उनकी आदत है, वो कहेंगे यार बहुत बोलता है यार ये वो मास्टर। चलो भाई अब फटाफट तुम्हें करना है, तो गांधी गोट अ डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विसेज फॉर 6 मंथ्स, हेल्थ कंडीशंस इन चंपारण वर मिजरेबल, द डॉक्टर्स गेव क्विनाइन टू मलेरिया पेशेंट्स एंड द ऑइंटमेंट विद कास्टर ऑयल टू दोज विद स्किन इरप्शन, ओनली 3 मेडिसिन्स वर। अच्छा एक बात बताओ, डी और सी में मेडिसिन की बात हो रही है, तो यहाँ पे तो बता रहा है कि 3 दवाई है, कौन कौन सी है, एक तो कैस्टर ऑयल है, एक क्विनाइन है ना, और एक होता है सल्फर ऑइंटमेंट है ना, तो बच्चे 3 दवाई है, तो इन तीनों में से फिर कहाँ कहाँ दिया गया भाई, जो मलेरिया वालों को ये दिया गया है ना, और स्किन वालों को ये दिए गए हैं ना, ऑयल ये दे रखी है, तो मतलब कि डी के बाद ही तो सी आएगा, अभी तुम्हें पता होना चाहिए डी के बाद ही क्या होना चाहिए सी, तो ये समझ में आ गया कि डी के जस्ट बाद ही सी आएगा, पेयर बनाया करो। मैंने तुम्हें ये कहा है, अगर तुम्हें लगता है कि जो पहला सेंटेंस नहीं हो सकता वो तो ठीक है, अब इसमें पेयर बन गया भाई, अच्छे से पता हो गया कि यहाँ पे 3 दवाइयों की बात हो रही है, और तीनों में से भाई जो मलेरिया वाले उनको क्विनाइन मिली है, और जो स्किन की जो प्रॉब्लम है उनको कैस्टर ऑयल, और ये क्या है, ये ऑइंटमेंट दिया है, तो बच्चे हमें पता चल गया सी, डी के बाद सी आएगा, तो इसमें डी के बाद सी है क्या, नहीं इसमें डी के बाद सी नहीं है, गलत हो गया, इसमें डी के बाद सी दे रखा है, इसमें डी के बाद सी नहीं है, और इसमें भी डी के बाद सी नहीं है, 3 ऑप्शन कट गए, एक ही बचा, ये ऑप्शन हो गया, बस खत्म आंसर। अभी कब पूछा गया, सीजीएल टाइप 2 2020 में पूछा हुआ है, सीजीएल के मेंस का क्वेश्चन है, अब बताओ इससे हाई लेवल का तो आ ही नहीं सकता, खासकर स्टेनो में तो इससे हाई लेवल का नहीं आ सकता, तो बच्चे स्टेनो वाले कान खोल के सुन लेना, पेपर देने जाओ ना, तो ये पेयर बनाना है, और पहले कौन सा नहीं हो सकता वो काटना है, गलत नहीं होना चाहिए भाई इंग्लिश में, अगर अब भी इंग्लिश में गलत करके आओगे ना, तो भाई मेरी तपस्या तो समझ लो बेकार है तुम्हें पढ़ाने का, सब कुछ कितने बढ़िया से करवा देता हूं, हालांकि आज मेरी मुझे जुखाम और सर दर्द दोनों है, पूरे दिन सोया रहा था मैं, बीमारी के कारण जुखाम और सर दर्द की वजह से मैं पूरे दिन सोया हुआ था, फिर भी मुझे लगा कि भाई कल भी क्लास नहीं पाई थी, तो क्लास लेना, तो देखो मैं जब बीमारी से उठकर, मैं जब बीमार होकर तुम्हें पढ़ा सकता हूं बच्चे, तुम्हें तो ना 4-5 गुना दम लगा देना चाहिए पढ़ने के लिए, अभी ठीक ना, तो पढ़ाई करा करो, एक और देखो लास्ट, तो ये होमवर्क लिए दे दिया जाएगा तुम्हें, आज इतना ही करते हैं, मुझे लग रहा मैं थक सा गया, तो क्लोज टेस्ट कल करवा देंगे, कल पहले क्लोज टेस्ट करवा दो, हर दिन रह जाता है ना ये रीडिंग कॉम्प्रेशन, कल रीडिंग कॉम्प्रेशन या क्लोज टेस्ट पहले कराऊंगा, वो है ना ये रह जाता है लास्ट में हर बार, इसका आंसर दो, ठीक है इंडियन रेजिडेंसी, ठीक है मेरे भाई कल करवा दे, हाँ कल एडजेक्टिव की थ्योरी ही करवाएंगे, ठीक है ना, थ्योरी क्वेश्चन ये सब जो भी कराऊंगा तुम्हें बढ़िया लगेगा, तो
तुम्हारे लिए ही, तुम्हारे हित के लिए, तो कल एडजेक्टिव खत्म हो जाएगा। अगर संडे को मैं ठीक रहा तो संडे को एक चैप्टर और खत्म करवा देंगे कंजक्शन वगैरह। सर आप रेस्ट कर लीजिए, रेस्ट करके क्या करना, बस तुम लोग नौकरी ले लो यार तुम लोग। अरे अनु अनु यादव जो एनडीए के लिए ना, मैं कह रहा हूँ एनडीए हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, ये सब करवा दिया, अभी बता दूं कैसे देखनी है ना, अभी बता भी देता हूं। तो इसका आंसर कैसे करोगे, देखो एक बात बताओ तुम्हें मैंने क्या कहा था कि जब भी पैरा जंबल करो, जो है ना एनडीए वाले तो देख लेना भाई इसको, जब भी पैरा जंबल करो ना सबसे पहला वो ऑप्शन काटो जो पहला नहीं हो सकता। अच्छा ये बताओ बट से सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते ना, तो डी से तो स्टार्ट हो ही नहीं सकता, डी है क्या कहीं, ये रहा सी में, तो डी में सी में है ना, सी में डी पहले देखा तो सी वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, एक ऑप्शन तो कटा। दूसरा देखो, अच्छा सी, सी कौन, मम्मी, सी कौन भाई, मम्मी की बात, अच्छा एक बात बताओ पहले मम्मी होगा फिर पहले सी होगा, तो मम्मी तो पहले लिखोगे, तो मतलब कि सी पहले लिखोगे या बी लिखोगे पहले मुझे ये बता दो भाई, पहले सी आएगा बी से या बी पहले आएगा सी से, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ भैया अभी, तो ये समझो सी से सी के बाद ही आगे कहीं कहीं बी होगा, या तो सी के जस्ट बाद भी हो सकता है ना, सी के कहीं आगे, तो ये समझो सी के पहले अगर कहीं भी बी दिख रहा है ना काट दो उसको, या नहीं है, या देखो सी के पहले बी है तो दो ऑप्शन तो कट गए, दो ऑप्शन तो कट गए भाई, मम्मी की तो पहली बात, अब मैंने पढ़ा नहीं है कुछ भी, मैंने अभी तक कुछ पढ़ा तो है नहीं, बस मैं तो तुक्का मारू, मैं तो ट्रिक लगा रहा हूं। आगे देखते हैं कि although Sonu had many more that he wanted to, he realized mummy was tired and become silent. तो बच्चे यहाँ पे हो रहे कि when mummy returned from work, she took Sonu for a walk. तो मतलब स्टार्ट ये लग रहा है मुझे, पहला सेंटेंस ये से स्टार्ट करेंगे कि भाई जब मम्मी घर पे आई तो सोनू को ना वॉक पे लगी, तो उनके पास आगे लिख रहा कि सोनू हैड मैनी मोर दैट ही वांटेड, मतलब कि सोनू के पास बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो ये तो बात की बात है, मतलब स्टार्ट करेंगे सी से, तो सी के बाद भाई सी के बाद या तो ए है सी दो में है, ये तो गड़बड़ होगी, तो देखो मम्मी रिटर्न फ्रॉम वर्क, ही टुक सोनू फॉर वर्क बट सी वॉज टू टायर्ड सो आंसर ऑल हिज क्वेश्चन, मतलब कह रहा है कि भाई जो मम्मी है ना रिटर्न है और वॉक पे लगी, और देखो कि भाई जो उसकी मम्मी थी बहुत थकी हुई थी, और टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चंस उनके आंसर नहीं दे पाई है ना, सी आंसर्ड अ फ्यू एंड देन स्टॉप्ड, उसने कुछ के आंसर दिए और फिर रुक गई बेचारी है ना, तो देख लो इसका मतलब ए लास्ट का ऑप्शन है, ये समझ लो ए लास्ट में आएगा, इतना तो पता चल गया, ए कौन सा आएगा लास्ट सेंटेंस है, तो ये ए भी गलत हो गया, ए भी गलत हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, तो डी वाले बच्चों का बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है ना, तो ये बढ़िया से कर लिया करो, तो होमवर्क तो है नहीं हो गया है, तो बच्चे डेली बढ़िया से क्लास हो जाती है, ठीक है ना, इतने बढ़िया से डेली हो जाता है, बस तुम लाइक कर दिया करो, शेयर करो अपने दोस्तों को, तो कर दिया करो सारे जितने भी तुम्हारी इंस्टाग्राम है व्हाट्सएप है ना, क्लास शेयर करा करो ना, गुरु दीक्षा अगर तुम्हें देना है तो बस शेयर कर दिया करो ना, जो भी तुम्हारे टेलीग्राम के लिंक है। अच्छा एक चीज तो मैंने बताया नहीं तुम लोगों को, सुनो ध्यान से, एक चीज तो रहेगी, एक काम तो मैंने बताना भूल गया, ये जितने भी जो भी है ना पीडीएफ वगैरह चाहिए ना, तो अपना एग्जाम्पल का एक ना ऐप है, तो ये देखो एग्जाम्पल ऑफिशियल ऐप है, इसको डाउनलोड कर लो बच्चे है ना, एग्जाम्पल का ऑफिशियल ऐप है, इसको डाउनलोड कर लो, इसको डाउनलोड करने से तुम्हारा फायदा क्या होगा, इसमें तुम्हें जितने भी जॉब अलर्ट होते हैं, जॉब निकलते हैं उसके बारे में बताया जाएगा, अरे इसमें तुम्हें बहुत ही बढ़िया बढ़िया पेड कोर्स में मिलते हैं, बहुत ही सस्ते मतलब की बहुत ही सस्ते, ₹1000 में सीजल का बैच चल रहा है, ऑफिसर बैच अभी मात्र ₹1000 में स्टार्ट किया था ना, तो 1500 का था ये सीजल इंस्पेक्टर की पोस्ट मिल रही है 1500 में ना, इसमें बहुत सारी क्या है जो प्रैक्टिस क्वेजेस मिलती है ना, फ्री प्रीवियस सॉल्व क्वेश्चन पेपर मिलते हैं, और क्या चाहिए, और जो सबसे बढ़िया चीज है तुम्हारे लिए ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट होता है भैया, इसमें इनाम भी मिलता है ना, हर महीने कहीं ना कहीं होता ही रहता है, तो इसमें इनाम भी मिलता है और फ्री पीडीएफ, सबसे बड़ी बात यह है, तो ये इसको डाउनलोड कर लो, कैसे डाउनलोड करोगे, तो सबसे पहले क्या करना होता है, ये जो तुम्हारा गूगल प्ले स्टोर नहीं, इस पे जाओ, इस पे जाके तुम क्या लिखोगे एग्जाम्पल लिखोगे, फिर इस पे ना क्या इंस्टॉल करोगे, इंस्टॉल करके इसको ओपन कर लो, फिर इसको ना लॉग इन कर लो, जैसे भी है ना कैसे करते हैं रजिस्टर कर लो, फिर ये आएगा यहाँ पे रजिस्टर करके, तो सारी मिल जाएंगे फ्री कोर्सेज वगैरह, ठीक है ना, थैंक यू बच्चे। अनु यादव मैं समझ गया तू कौन सा लड़का बहुत बात करता ना एनडी वाले ग्रुप में है ना, जिसने ग्रुप में कहा था मुझे हेलो ब्रो, ओके ब्रो, तो भाई अनु यादव ये एनडी का एक ग्रुप है, तो ये बहुत बात करता है, तो मैंने ग्रुप में लिखा था, मतलब किसी लड़के ने मुझे ऐड कर दिया था, इनको पता नहीं था मैं टीचर हूं, तो मैंने लिखा था पढ़ लिया करो, तो ये लिखता कि ओके ब्रो,
अभी तो इसका रिप्लाई आया था ओके ब्रो, फिर मुझे बताना पड़ता कि भाई मैं टीचर हूं अभी नालायक से, तो ठीक से बढ़िया से पढ़ लिया करो ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया सास, वेरी गुड। तो मैंने बढ़िया से मेहनत करा करो ठीक है ना, अच्छे से लगे रहा करो, बढ़िया से दम लगा के पढ़ना है। तो इस बार कोई भी एग्जाम दो ये समझो छोड़ना नहीं है ठीक है ना। और जिन बच्चों को वो बोलते थे कि नाउन को कैसे पढ़ना, उनको बता देता हूँ क्या ना, जिनको भाई नाउन पढ़ना है तो उनको पता नहीं कैसे पढ़ना, सबसे पहले क्या करना है यूट्यूब पे जाना है ना, यूट्यूब पे जाना है। तो यूट्यूब पे जाओगे तो यहाँ पे सर्च में जाओगे तो क्या लिखना है तुम्हें, सबसे पहले लिखना है एसएससी एग्जाम्पल, समझे भाई। एसएससी एग्जाम्पल लिखना है तो एसएससी एग्जाम्पल लिखोगे ना तो ऐसे कुछ खुल जाएगा ना, तो ये एग्जाम्पल का चैनल आ जाएगा ना, देखो ये रहा एग्जाम्पल का चैनल आएगा। तो जैसे तुम एसएससी एग्जाम्पल लिखोगे तो आएगा एसएससी एग्जाम्स पे एग्जाम्पल। तो मेरी पुरानी क्लास देखनी है तो मेरी जितनी पुरानी क्लास है जो लाइव चलती है तो ये है, अपकमिंग में नीचे आ जाती है। तो वीडियोज में जाओगे तो वीडियोज में जाओगे, अच्छा देखो यहाँ पे ऑफिसर बैच चल रहा है अभी भी 70% का डिस्काउंट चल रहा है, यानी कि 1099 में 1100 रुपए में इस सीजीएल का बैच चल रहा है, ज्वाइन कर सकते हो। सीजीएल टायर 1 टायर 2 लेवल के बहुत ही भयंकर बढ़िया इसमें टीम है। तो देखो इसमें मेरी जितनी भी क्लासेज है ना नाउन की क्लास मिल जाएगी 25 तारीख के, देखोगे 25 तारीख के अभी बहुत वो जाने सारे बहुत इतनी फ्री चीज मिलती है यार तुम्हें है ना, जीएस रीजनिंग मैथ भरे पड़े हैं, इतने बढ़िया बढ़िया टीचर भरे पड़े हैं, इतने बढ़िया लेवल से तुम्हें करवा रहे हैं। तो ना दिख जाएगा देखो तो सारी मिल जाएगी मेरी क्लास, मेरी शक्ल दिख जाएगी, वहीं रुक जाना है। अब देखो ये रहा, तो ये देखो ये नाउन की क्लास है ना, ये तो 2 घंटे वाली है, ये तो 2 घंटे वाली है। तो ये मतलब जिस दिन के है उसमें लिखा भी होगा, इसमें लिखा नहीं होता कौन सी दिन की है ना, ये मिल जाएगी। ये तो लास्ट की क्लास है, ये लास्ट वाली क्लास है जो मेरी जगह दूसरे सर ने ली थी, मैं बीमार घर चला गया था तो मेरी जगह तौसीफ सर को लगाया था मैंने ठीक है ना, एक ये रही। तो नाउन का लेवल 2 पार्ट 5, देखो भाई ध्यान से सुनो ये क्या, नाउन लेवल पार्ट 5, लेवल 2 का पार्ट 5 भाई है ना, ये 1 घंटे क्लास चलाई थी मैंने। और इसके आगे देखो बहुत सारी सारी क्लास मिल जाएंगी, अब तो नाउन की सारी क्लास मिल जाएगी, पार्ट 5 हो गया। ये देखो ये है नाउन का लेवल 2 पार्ट, ये 2 घंटे वाली क्लास है, ये 2 घंटे वाली क्लास है, तो पार्ट 2 की 3 घंटे की होगी। और देखो 25 तारीख वाली भी आ जाएगी, तो जिसने नहीं देखा है ये पार्ट 4 है ना, ये नाउन का पार्ट 4 है, इसमें पहले वोकैब है और उसके बाद नाउन पढ़ा है, तो ऐसे करके तो इसको और भी आगे है। और ये कौन सा है नाउन का झंझट खत्म पार्ट 3, ये 27 तारीख की है, ये 27 तारीख के 2 घंटे क्लास है, बहुत ही भयंकर तरीके से पढ़ा है इसमें तो मैंने। और सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है अब आ जाएगी 25 और 26 तारीख की, ये रही देखो ये वाली क्लास है भाई, बहुत ही गजब तरीके से करवा रखा है, मतलब कि इतने बढ़िया तरीके से है ना, सारा अच्छे से करवा रखा है। तो जैसे पहले इसमें क्या करवाया था एडवाइस, तो एडवाइस क्या क्या हो सकता है, बहुत ही भयंकर तरीके से करवा रखा है। तो ये क्लास देख लेना, तो ये 26 तारीख की है, इससे पहले 3 घंटे की क्लास है 25 तारीख की, तो नाउन का सारा तो बहुत ही बढ़िया से करवा दिया इसमें ठीक है ना, अच्छे से कर लेना है ठीक है ना। तो ये 25 और 26 तारीख वाले देख लेना, तो कर लो बच्चे बटिया से कर लो। हिंडन रेजिडेंसी है ना, इंग्लिश विद विकास सिंघाठिया, इंग्लिश विद विकास सिंघाठिया। चलो भाई गुड नाइट, गुड नाइट कर लोगे तो ये डेली क्लास देख लिया करो। तो चलो फिर आज इतना ही करते हैं, और ये एग्जाम्पल का ऐप डाउनलोड कर लो और जितने बैच जाते हैं उसको लो, और अभी एमटीएस सीएचएसएल का न्यू बैच भी आ रहा है, तैयार रहना ठीक है ना। तो जिन बच्चों को अगर उसमें इंग्लिश में ही पढ़ाऊंगा, तो जिन बच्चों को अगर बढ़िया से इंग्लिश सब कुछ करना है तो एमटीएस सीएचएसएल दोनों का अलग अलग बैच आएंगे, तो दोनों ज्वाइन कर लो, क्या दिक्कत है, बढ़िया हो जाएगा ठीक है ना। तो चलो फिर आज इतना ही करते हैं, तो इसी के साथ आज की कार्रवाई खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड में नए अंदाज के साथ, नई उम्मीद के साथ। कल 3 घंटे की मैराथन है भाई, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।